Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में वर्ल्ड का नंबर वन रेसर हम लोगों से मिलने के लिए आया था, क्योंकि कुछ ही दिनों में लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा रेस टूर्नामेंट होने वाला है और वो रेसर बेचारा रिटायर हो गया, उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो रेस खेल नहीं सकता. इसलिए वो चाहता है कि उसके लिए हम लोग रेस खेलें, और अगर हम लोग उस रेस को जीतते हैं तो हम लोग उससे जितना पैसा, जितनी गाड़ियां मांगेंगे वो हमें देने वाला है. तो चलो यार, अभी ना बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे. आज मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि कल फाइनल रेस है और मुझे उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है. वैसे यार, मैंने ना अपनी रोल्स रॉयस को अपने गार्डनर के पास वॉश करने के लिए लगाया था, और अभी इसको ड्राई करने में लगा हुआ है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम यहाँ से धूल उड़ रही है और वो वापस गाड़ी पे जा रही है. तो चलो भी, साफ सफाई बंद करो. मैं काम करता हूँ, अपनी इस गाड़ी को ना घर के सामने ले जाके लगाता हूँ. इसलिए बस 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 भैया, बहुत सफाई हो गई, एकदम चमक गई है गाड़ी इस टाइम पे. ऑल डन. तो अभी मैंने सब लोग को अपनी गाड़ी से साइड हटने के लिए बोल दिया है. बाकी यार, आप लोग एक बार ध्यान से देखो कि अपनी इस गार्डनर और मेड ने मिलकर क्या मस्त क्लीन किया यार कार को. मतलब इसको देख के बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये गाड़ी को जिमी ने एक बहुत गंदे नाले में ले जाके डुबा दिया था, जहाँ पे इस गाड़ी में पूरा कीचड़ कीचड़ लग गया था, गाड़ी चलना बंद हो गई थी. वो तो अच्छी बात है कि बेनी ने इसे बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया और सारी प्रॉब्लम इस कार से ठीक हो चुकी है. और मैंने इस कार को ना घर की शान बढ़ाने के लिए लिया था, तो इसीलिए ना मैं अब इस कार को ज़्यादा चलाने वाला हूँ, और जिमी को तो ये कार बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली. इसलिए मैं इसको सीधा लेकर जाने वाला हूँ अपने इस बड़े से मैंशन के एकदम सामने पार्क करने के लिए. मतलब वहाँ पे जाके वो फील आएगी ना, वो नेक्स्ट लेवल है. बाकी ये स्लो स्पीड में चल नहीं रही, मैं इसे जान मुझ के इतने ज़्यादा स्मूथली चला रहा हूँ. भाई तभी हाँ, मुझे मालूम है अभी आप लोग क्या सोच रहे होगे कि ये सब तो फालतू बात है, मेन काम है कि कल जो फाइनल रेस होने वाला है मैंने उसके लिए क्या प्रिपरेशंस कर रखी है, क्योंकि वो रेस हमें कुछ भी करके जीतना है. तो अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास कोई ढंग की सुपर कार तो है नहीं. वैसे अपने पास मैंने पहले सोचा था कि हम लोग बुगाटी बोलाइड से खेलने वाले हैं, बट आपको पता होगा कि वो जो फास्टेस्ट कार थी, उस कार का हमने एयरपोर्ट पे स्पीड टेस्ट में क्रैश एक्सीडेंट कर दिया था, और फिर वो गाड़ी आज तक रिपेयर नहीं हुई, क्योंकि वो मतलब एक टाइप से दो तीन कार ही बनी है, तो उसके जो पार्ट्स है वो बेनी को मिले नहीं. बट अब जो नेक्स्ट कार है अपने पास, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है वो है अपनी फरारी F XXK. अब प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ी भाई मेरे से सच्ची में कंट्रोल नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा फास्ट है और फिसलती है भाई वो सीधा रोडों पे, तो मेरे को उस पर रेस खेलने में थोड़ा डर है. बट यार, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस कार को ना बेनी के पास लेकर जाते हैं, उस कार की स्पीड भी बढ़वाते हैं और साथ के साथ उसके जो कंट्रोल्स हैं वो मुझे और अच्छे करवाने हैं. बाय द वे, मैंने अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करने का प्लान करा था, और यहाँ पर भाई क्या फील आ रही है, घर के एकदम सामने, बिल्कुल सेंटर में, सामने वाले गेट के. और एक बारी उतर के मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी अब अपनी कैसी लगने वाली है. लेट्स गो भाई. अपने दोनों गार्ड्स एकदम मस्त ध्यान रखते हैं हमारा, चारों तरफ से हमें कोई कुछ नहीं कह सकता. मतलब पूरे घर में हर जगह गार्ड्स ही गार्ड्स घूम रहे. वेट, मैंने आपको ना अभी तक अपने घर के बैक साइड का टूर नहीं दिया ना. मतलब यहाँ पर इतना बड़ा तो गार्डन है जितना बड़ा पहले वाला घर था, और इस तरफ में एक टेनिस कोर्ट भी है जिसमें मैंने अभी तक एक बार भी जाके टेनिस नहीं खेला है. अब हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं होता, पूरे टाइम इधर से उधर गाड़ियाँ चलाते रहते हैं और भी काफ़ी सारा बिजनेस का काम रहता ही है. बट हाँ, जब फ्री होंगे आराम से यहाँ पर आकर मस्त टेनिस वगैरह खेलेंगे. बाकी एक बार आप लोग सामने देखो, यहाँ पर चारों तरफ घर में मस्त सिक्योरिटी हो रखी है. मतलब जो गार्ड्स हैं ना 24/7 पूरे के पूरे टाइम यहाँ पर राउंड्स लगाते रहते हैं, रात में लाइट टॉर्च फुल जला चला के बंदों को ढूंढते ही घर में कोई एंटर ना कर जाए, क्योंकि इस हिसाब से इन्हें पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है. बाकी यहाँ पर टेनिस कोच आया हुआ है और यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है माइकल की फैमिली के टेनिस वगैरह की, और यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है. ठीक है, तो यानी हमें अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फटाफट से चलते हैं इनके इंचार्ज के पास, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ बेनी के पास. मैंने प्लान कर लिया है कि हम लोग इस वाली रेस को फरारी से ही खेलने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसी कोई और कार है जो हमें इस टूर्नामेंट को जितवा सकती है, और उस कार से ज़्यादा कोई फास्ट मेरे को नहीं लगता है अभी मेरे पास जो कलेक्शन है उसमें होगा. बाकी यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए हमारे जितनी भी कार्स जो हमारे आगे पीछे चलेंगे वो ये चारों हैं, मर्सिडीज़ जी वैगन और एक अपनी जो है फिफ्थ वाली, वो पर्सनल है. ये जो चार आप देख पा रहे हो ना, ये भी हमारी है, बट ये बॉडी गार्ड्स के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है. तो ये रहा अपना मस्त इंचार्ज, इससे भी बात कर लेता हूँ. पिछले दो दिन से कोई बात बात नहीं हुई है. वेल, तो अभी मेरी सिक्योरिटी इंचार्ज से बात हो गई है, और मुझे लग रहा है कि ना इसका पूरा दिमाग खराब हो गया है. मतलब यार, ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ की पेमेंट है $1 million वो कर दो सर फटाफट से. मतलब मेरे को पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मंथ कंप्लीट तो होने दो. अभी 10-15 दिन हुए नहीं, $1 million वैसे चाहिए.
खैर काम अच्छे से कर रहे हैं तो पैसे देने का भी मन कर रहा है, बट मैंने ऐसा सोच रखा था कि हम लोग जो बिग माफिया के भाई से जो पैसे वसूल रहे हैं ना $1 million वही से ला के देंगे, बट अभी अच्छे से काम कर रहे हैं। गन्स वगैरह भी नई नई इनके लिए आ गई है, थोड़े बहुत वेपन्स मुझे और लाने हैं क्योंकि इनके लिए नहीं आ रहे वेपन्स एट दी एट, वो हमारे लिए आ रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए, तो मैं ले आऊँगा। बाकी यहाँ पर देखो अपनी प्यारी रेंज रोवर खड़ी हुई है जो अपनी पर्सनल हमारे और हमारी फैमिली के लिए है, बट अभी मेरे को बैनी के पास जाना है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। इंचार्ज को मैंने बोल दिया कि गाड़ी मेरे पीछे लगा लो, मैं अपनी गाड़ी बाहर कर रहा हूँ, फटाफट से चलते हैं। और तुम मेरे इतनी भी जेब मतलब 2-सीटर कार है, इसमें तुम नहीं आ पाओगे। तो फरारी को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को आगे से हटाना होगा, अदरवाइज मैं इसे अभी निकालने की कोशिश करूंगा तो राइट या लेफ्ट साइड में छोटा मोटा डेंट आ सकता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए आराम से एक बार ना अपनी गाड़ी को बाहर यहाँ पर साइड में ला के पार्क कर देते हैं, अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह इसको वापस गैराज में लगा देंगे। आखिर $1 million ले रहे हैं, कुछ तो काम आए अपने। लेट्स गो, अभी फटाफट से चलते हैं फरारी में बैठने के लिए। और एक बार आप लोग इस गाड़ी का साउंड दोबारा ध्यान से सुन लो, मैं हमेशा ही सुनाते रहता हूँ उसका साउंड। ये चीज, यही साउंड इस गाड़ी को बहुत तगड़ा बनाता है। लेट्स गो, इसको थोड़ा बहुत रेव अप कर लेते हैं ताकि अच्छे से गाड़ी फुल चार्ज हो जाए। और अभी इसको लेकर चलते हैं सीधा बेनी के पास, कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं। लेट्स गो, अपने बॉडी गार्ड को भी अपने साथ में चलने के लिए बोल देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी मेरे अपने बॉडी गार्ड इंचार्ज से बात हो चुकी है और इसको मैंने अपने साथ आने के लिए बोल दिया है, तो ये लोग भी अपना मस्त गाड़ियां लेके मेरे पीछे आने वाले हैं क्योंकि बेनी के गैराज में मैं उसको ये गाड़ी मॉडिफिकेशन होने के लिए तो दे दूंगा, बट उसके बाद मैं वहां से पैदल या फिर टैक्सी में तो आने नहीं वाला हूँ क्योंकि भाई अब हम लोग बहुत बड़े माफिया बन चुके हैं। तो ये जितनी भी कार्स हमारे साथ लेकर आ रहे हैं ना, मैं इन लोग की गाड़ी में बैठ कर आ जाऊंगा। बाकी यहाँ से अपनी दो गाड़ियाँ आ चुकी है और रेंज रोवर कहाँ है? हेलो भाई, वेट एक सेकंड, पहले तो मैं साइड लगा लेता हूँ यहाँ पर। भाई इतना ट्रैफिक है ना, फुल चारों तरफ गाड़ियाँ जाम, मैं निकाल ले भाई, इतना चौड़ा रोड है। वेट, मैं थोड़ा सा साइड ही कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जैसे ही सारे आ जाएंगे उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं। ऑल डन, तो अभी सभी बॉडी गार्ड्स अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे बाहर लेकर आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ रह गए थे, इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। मतलब 5 गाड़ियाँ बाहर निकालनी है, 10 बंदे हैं फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी ठीक है, अभी मैं रेड लाइट पे क्यों रुका हूं? हेलो एक सेकंड भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग यहाँ पर रूल्स अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाकी यार अभी तो मैंने अपनी गाड़ी ज़्यादा तेज भगाई भी नहीं और सारे के सारे बॉडी गार्ड एकदम मस्त पीछे रह चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर अपनी गाड़ी को भगा के बैनी के पास जाना चाहिए। एक काम करते हैं, बैनी के पास ही चलते हैं, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, गाड़ी भी रिपेयर करवानी है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ रहना ज़रूरी इसलिए है, बाय चांस अपनी पुरानी दुश्मनी अगर कोई यहाँ पर निकालने आ जाए तो वो सेफ्टी के लिए रहते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत भी आती है। खैर ठीक है, अभी आराम से चलते हैं, उन लोग को आ जाने देते हैं, मेरे हिसाब से वही ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे भाई ध्यान, उसकी भैंस की, ये कौन अपनी गाड़ी लेकर के हमारे बगल से इतनी तेज? एक मिनट रुक जाओ जरा, अभी मैं इसको ओवरटेक करता हूँ। भाई साहब बहुत, ये कोई रेसर है यार क्योंकि इसकी कार में कोई नॉर्मल कार तो लग रही है नहीं और बंदा बहुत ज़्यादा ही तेज भगा रहा है अपनी इस गाड़ी को। वेट, अभी मैं इसको 2 सेकेंड में ओवर, भाई वेट कार कौन सी यार, ये मेरे को लॉस सैंटोस की कोई कार तो लग नहीं रही है, कुछ अलग ही कार है। भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, ये बंदा ना अपनी गाड़ी को कुछ ज़्यादा ही तेज भगा रहा है और शायद से हमें दिखाना चाह रहा है कि हमसे बेटर ड्राइवर है। लेकिन मेरे को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसको ओवरटेक करने के चक्कर में मेरी गाड़ी कहीं इधर उधर ठुक ना जाए क्योंकि मुझे ये सच्ची में बहुत बेकार ड्राइवर लग रहा है। देख रहे हो, कहीं पर भी ले जाके अपनी गाड़ी रोकते रहे फिर आराम से भगा रहा है और ये सही टाइम है इसको ओवरटेक करने का। एक सेकेंड, तेरी ऐसी तरह से निकल। वेट, अरे बेचारा उसके पीछे रुक गया था, आ जा, इसको पहले एक बार आगे जाने देते हैं फिर इसके बाद बताएंगे। वैसे दम तो है भाई इसकी गाड़ी में, मन तो कर रहा है उतर के पीटू और इसकी भी गाड़ी छीन लूँ, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं है चेस करने का। लेट्स गो, अभी टाइम आ चुका है, दोनों की गाड़ी फुल स्पीड में हो रही। भाई कसम से अभी सामने ट्रक को देख के मेरे को लग ही रहा था कि अपनी गाड़ी बहुत बुरा ठुकने वाली है, बट नहीं ठुकी और हम लोग फटाफट से पहुँचने वाले हैं बेनी के पास। बेचारे सारे बॉडी गार्ड्स कह रहे होंगे कौन से रास्ते से चला गया आज, मतलब एक मिनट मैं थोड़ा बहुत गलत आ गया यार। हेलो वेट, इसको जाने दो यार, इसके साथ साथ आने के चक्कर में मैं पूरा गलत चला गया यार, मेरे को बेनी के पास जाना था और बेनी मैं रास्ता कैसे भूल गया, शायद से वो पीछे वाले कट पे है। तो फटाफट से ना अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट लेकर चलते हैं। हाँ मुझे यहाँ से एकदम सीधा जाना है, आई थिंक अभी मैं एकदम सही आया हूँ, मैं अभी भी गलत आया हूँ। वेट, मैं बैनी का गैराज ही भूल चुका हूँ कहाँ पर है। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर बैनी की डीलरशिप पे पहुँचने वाला हूँ। बाय द वे यार, जो भी हो, वो बंदे की गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, स्पीड भी अच्छी खासी थी, तभी उसने हमें इतनी बुरी तरह ओवरटेक किया था। लेकिन हाँ जो भी हो, अभी हमने उसे एकदम मस्त पीछे कर दिया और मैं बैनी के पास आ चुका हूँ, एक बार ट्रेन वगैरह चेक कर लूँ आसपास। वेल, बैनी ने अपनी वर्कशॉप को पहले से और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया और लेफ्ट साइड में देखो अपने सारे के सारे बॉडी गार्ड्स यहाँ पर पहुँच गए हैं। खैर उनको बाहर खड़े रहने देते हैं, हम लोग अपनी
गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर इसे तगड़ा वाला मॉडिफाई करवाने के लिए बेनी से। और यहाँ पर अभी बेनी लग रहा है किसी की स्पोर्ट्स कार को वॉश कर रहा है या फिर उसको सर्विस वगैरह कुछ तो करने में लगा हुआ है। और लेफ्ट साइड में गाइज ये देखो, ये रही अपनी वो पुरानी बुगाटी बोलाइट जिसका एयरपोर्ट पे एक्सीडेंट हो गया था। देखने में ठीक लग रही है क्योंकि बेनी ने इसे थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया, लेकिन इसकी हालत अभी भी पहले जैसे ही है। मतलब अभी ये गाड़ी ओन नहीं होती और ना ही ये चल सकती है, वरना हम लोग इसी से रेस करने वाले थे। एक बार ही पता करता हूँ बेनी से, अगर ये वाली गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो ठीक है, बाकी वो सब छोड़ो। पहले बेनी की वर्कशॉप थोड़ी छोटी हुआ करती थी, बट इस टाइम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लगता है यार बेनी ने अपने पूरे के पूरे वर्कशॉप को अच्छे से अपग्रेड कर दिया है। बाहर की साइड में भी काफी सारी गाड़ियां आई हुई थी और यहाँ पर भी एक बहुत तगड़ी ड्रैग रेसिंग कार है। मतलब यार ये तो देखने में कुछ ज़्यादा हॉर्स पावर की लग रही है। खैर वो सब छोड़ो, अभी फटाफट से चलते हैं बेनी के पास। यहाँ पर इसकी वर्कशॉप में और भी काफ़ी सारे वर्कर्स आ गए हैं। पहले बेचारा अकेले काम करता था, अब बहुत बड़ी टीम बना ली है। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल बेनी से बात हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि इस कार में चेक करके बताना होगा कि आखिर इसको और अपग्रेड और सुपर फास्ट बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो अभी बेनी यहाँ पर मस्त अपना गाड़ी को चेक वगैरह करने के लिए आ गया है और पता नहीं आखिर इसके अंदर क्या ही चेकिंग होगी। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है गाड़ी और भी अपग्रेड हो सकती है क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मूला वन रेसिंग कार को भी टक्कर देने लायक बनी है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, बेनी जैसे थोड़ी बहुत ठीक ठाक चेंजेस कर देगा उसके बाद इससे पूछते हैं। वेल, तो अभी मेरी फिलहाल बेनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कुछ हैवी चेंजेस करके इस गाड़ी को बहुत ज्यादा तगड़ा अपग्रेड किया जा सकता है और उसके बाद ये गाड़ी 500 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी पकड़ लेगी, जो कि अपने लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग इस गाड़ी से इस रेस को इजीली जीतने वाले हैं। बट यार फिर इस तरीके से गाड़ी को अपग्रेड करने के बाद एक रिस्क भी है, हो सकता है कि चलती ही रेस में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या फिर गाड़ी में कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए जिससे गाड़ी बंद हो जाए और हम लोग रेस हार जाएं। बट ये सोचो कि अगर गाड़ी ने 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली तो हम लोग जीत भी सकते हैं। फिलहाल अभी मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका हूँ, सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पर रेडी हैं हमारे साथ चलने के लिए। सबसे पहले अपना इंचार्ज आ जाए, ये सबको कमांड देगा, फिर हम लोग निकलते हैं सीधा घर के लिए क्योंकि बेनी ने हमसे 4-5 घंटे का टाइम मांगा है। ऑलराइट, तो अभी अपने सारे के सारे बॉडी गार्ड्स घर चलने के लिए रेडी हो चुके हैं और मैं अपना आराम से यहाँ पर फुल सेफ्टी में चिल करता हुआ जाने वाला हूँ रेंज रोवर में बैठ के। मुझे कुछ नहीं करना, अपने गार्ड से मेरे को आराम से घर पर लेकर जाने वाले हैं। हर एक गाड़ी में ना यार अभी एक एक बंदा ही है क्योंकि हम लोग इन्हें मंथली सिर्फ $1 million दे रहे हैं पूरी सिक्योरिटी के। इसने मुझे बोला कि अगर हम लोग इसको $10 million देते हैं तो ये चारों गाड़ियों में बंदे भर के बैठेंगे गन्स लेकर हमारी सेफ्टी के लिए। बट अभी इतने की जरूरत नहीं है, बाय चांस इन फ्यूचर अगर हमारी कोई लड़ाई होती है इतनी ज़्यादा वेपन्स की जरूरत और इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो 4-4 जी वैगन का 8-8 जी वैगन हमारे पीछे आएगी और पीछे रेड लाइट होगी, बेचारे वो दोनों के दोनों रुक गए हैं। चलो कोई नहीं, अभी पहुँचते हैं आराम से घर। तो अभी अपने बाकी सारे बॉडी गार्ड्स घर के बैक साइड वाले गेट से अंदर एंटर हो गए हैं और हम लोग अपनी गाड़ी को एकदम फ्रंट साइड से अंदर लेकर जाने वाले हैं क्योंकि अपनी रेंज रोवर घर के फ्रंट में पार्क होती है। और एक सेकंड, गाड़ी रोको जरा, भैंस की अपनी रोल्स रॉयस यहाँ से कौन लेकर जा रहा है भाई? ये अपनी ही गाड़ी है भाई, वेट, ये अब क्या हरकत है? नहीं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बॉडी गार्ड को भी अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए बोल देता हूँ और फटाफट से ना अभी अपनी रेंज रोवर को फुल स्पीड में मैं लेकर उसका पीछा करने वाला हूँ। वैसे ये कोई चोर तो नहीं है जो अपनी गाड़ी चुरा के? बट यार पॉसिबल नहीं है, घर में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, कोई इतनी ईजिली गाड़ी लेकर जा तो नहीं सकता। भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और ये गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरे को ये गाड़ी वापस चाहिए। पर पता करना है कि आखिरकार ये गाड़ी लेकर जा कौन रहा है क्योंकि ये गाड़ी तो मैं सच्ची में खुद ही नहीं ड्राइव करना चाहता। एक भाई ये चला भी बड़े खतरनाक तरीके से रहा है। तो अभी ना सामने रेड लाइट हो चुकी है और मुझे ये देखना है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकता है या फिर नहीं रोकता। एक सेकेंड, भाई इसने अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक लिया, इसका मतलब ये बंदा चोर तो नहीं है। मुझे भी पता करना होगा कि आखिरकार ये गाड़ी अपने घर से लेकर निकला तो कौन निकला। फटाफट अपने आप को ना यहाँ पर मैं पहले तो छुप जाता हूँ कहीं वो मुझे देख ना ले। और अभी ना मेरे पास बिनाकुलर्स है, इसको ओपन करके पता करता हूँ कि आखिरकार ये बंदा है कौन। ओके, तो अभी फटाफट से मैं अपने बिनाकुलर्स निकाल के गाड़ी पे फुल फोकस करके जूम मारता हूँ और मुझे अच्छे से मालूम था कि अपनी गाड़ी इसके अलावा और कोई ड्राइव नहीं करने वाला। ये जिमी इतना मना करने के बावजूद अपनी गाड़ी यार पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहा है और ये कहीं मुझे देख ना ले, मेरे को तो इसका डर है। वेट, अपने ना बिनाकुलर्स अंदर रखो। और अभी मुझे भाई इसने अपनी गाड़ी यहाँ पर लाकर रोक लिया, पहचाना तो नहीं होगा वैसे जहाँ तक है, वरना अभी तक इसे शक हो जाता। मैं अपनी गाड़ी को ना थोड़ा सा गैप में रख के इसको फॉलो करने का ट्राई करता हूँ कि आखिरकार ये इस गाड़ी को लेकर जाना कहाँ पे जा रहा है। वेट, इसने अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल ली है और थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तो ये फुल मस्ती में रहता है, इधर उधर नहीं देखता,
बट ठीक है, तब भी हम लोग डिस्टेंस बना के चलेंगे। और अभी मैं अच्छे से जानना चाह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम इसने गाड़ी को कीचड़ में ले जाके बुरी तरह फंसा दिया था, और इस बार अगर इसने कोई ऐसी हरकत करी तो ये वहीं पिटने वाला है। गाइस, अभी फिलहाल मैं ये जिमी को फॉलो करता करता लॉस सैंटोस के इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुका हूँ, और मुझे कसम से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जाना कहाँ चाह रहा है। इतनी बढ़िया गाड़ी को खराब उबड़ खाबड़ रास्ते पे लेकर, वेट, ये जिमी इस जगह पे अंदर क्या करने के लिए गया? हेलो, मैं खुद इस जगह पर आज से सिर्फ और सिर्फ काफ़ी टाइम पहले एक ही बार आया हूँ, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस जगह पर क्या होता है। मेरे को इतना याद है कि कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था तब मैं यहाँ पर आया था। बट जो भी है, जिमी अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगाता हुआ इस जगह के अंदर लेकर जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी ना लास्ट टाइम की तरह कोई लड़ाई वगैरह हुई है, इसके पास से मुझे गन मिली थी, इसलिए मैं इसको लेकर इतना ज़्यादा डाउट में हूँ। बाकी इसने अपनी गाड़ी को ना अंदर ले जाके खड़ा कर दिया है, और ये जगह थोड़ी बहुत अजीब है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत दूर ही रहूंगा तो शायद ज़्यादा बेटर है। तो गाइस, जिमी ने अपनी रॉल्स रॉयस को वहाँ पे सामने ले जाके रोक दिया है। मुझे शायद से ना अभी अपनी गाड़ी से उतरना चाहिए और चल के ये देखना चाहिए कि आखिरकार जिमी इस गाड़ी को यहाँ पर क्या करने के लिए लेकर आया है। शायद यहाँ पर उससे कोई मिलने के लिए आया है, या फिर हो सकता है इसकी कोई ना कोई फाइट हो और ये कुछ गुंडों को हायर करने के लिए यहाँ पर आया हो। बट फिर उसमें इतनी महंगी गाड़ी का क्या काम है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। बाकी यार, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ, बस वो मुझे देख ना ले, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ना पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत कवर लेकर जाना चाहिए, बट यहाँ पहुँचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जिमी बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा यार कि आखिरकार वो वहाँ पर बात कर किससे रहा है और क्या बात कर रहा है। ओह भाई साहब, नीचे पानी दागा सीधा, मुझे पता ही नहीं था, मेरे को लग रहा था नॉर्मल मिट्टी होगी, मैं कूद जाऊंगा। बट यार फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, फटाफट से ना अभी मेरे को यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा देखने के लिए। बट यार ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और मैं जंप नहीं मार पा रहा हूँ। लेट्स गो, फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, और ये देखो जिमी यहाँ पर बैठ कर किसी बंदे से कुछ, इसने कोई इससे डील करी है, लोग हाथ मिला रहे हैं। बट मेरे को ऐसा यार कुछ भी खास समझ नहीं आ रहा है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। भाई ये लोग यहाँ पर हैंडशेक कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी डील करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे यार पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रही है कि जैसे जिमी ने अपनी रॉल्स रॉयस इस बंदे को दे दी या फिर बेच दी। भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है। वेट, वो बंदा अपनी रॉल्स रॉयस लेकर यहाँ से जा चुका है। एक सेकेंड यार, मुझे सच्ची में भी कोई भी सीन नहीं समझ आ रहा है, और ये जिमी भी पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। मैं चाहूँ तो अभी जाके इससे पूछ सकता हूँ, बट मुझे ना यार अभी समझना है कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है। चुपचाप से मैं इसका पीछा करता हूँ। वेट, ये यहाँ पर रुक गया है, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा, वो उसने फ़ोन निकाला, एक सेकेंड, उसने अपना फ़ोन यहाँ पर निकाल लिया, और शायद ये अभी किसी को फ़ोन मिला रहा है या फिर, मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं। बस मैं इसका चुपचाप से पीछा करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता करना है कि आखिरकार ये प्लान कर क्या रहा है। ये अपनी रोल्स रॉयस यहाँ पर लेकर आया और उसने एक बंदे को गाड़ी दे दी, और अभी ये खुद यहाँ से पैदा, ओह वेट, इसने कैब बुक करी थी, ये यहाँ पर कैब बुक करने के लिए आया था। भाई साहब, गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है और जिमी गाड़ी में, उसने कैब बुक करके फटाफट से बुला ली। भाई ये कैसा बंदा है, इतनी महंगी गाड़ी बेच दी और अब खुद कैब से जा रहा है। मैं पहले छुप जाता हूँ, पता चला वो मेरे को देख लेगा तो ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, गाड़ी जाने दो। वेट, उसने नहीं देखा अपना, चुपचाप से गाड़ी लेकर, पहले तो यार अभी फटाफट से ना मैं अपनी रेंज रोवर को, मतलब अपनी जो गाड़ी है अपने बॉडी गार्ड के पास, उसको यहाँ पर लाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि भाई ये क्या सीन चल रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। इतनी महंगी गाड़ी बिक गई, मेरी फेवरेट गाड़ी अपनी आंखों के सामने बिक गई। ले 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 भाई। तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से मैं चल के यार गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ, क्योंकि मैं अपने इस बॉडी गार्ड से ज़्यादा तेज ड्राइव करूँगा। और अभी जहाँ तक मुझे पता है उनकी टैक्सी यार ज़्यादा आगे नहीं निकली होगी, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स यार बहुत स्लो चलाते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी यार उनको ओवरटेक कर सकता हूँ, मतलब उन तक पहुँच सकता हूँ, और उतार के जिमी को पूछ सकता हूँ कि आखिरकार इसने हमारी गाड़ी किसको दी है और क्यों दी है। बट वेट, ये शायद से ना, मुझे पता था ये भी घर नहीं जा रहा, क्योंकि अगर इसे घर जाना होता ना तो ये अपनी गाड़ी यहाँ से लेफ्ट ले जाने के लिए बोलता, बट अभी इसकी गाड़ी सीधी जा रही है, ये पक्का भी कहीं और जा रहा है। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसके साथ भाई कोई गलत गुंडे दोस्तों से इसकी दोस्ती यारी हो गई है, और अभी ये सारे इलीगल काम इसने स्टार्ट कर दिए, तभी इसके पास से हमें M4 और बहुत सारा पैसा मिला था। आज मैं पता करके ही रहूँगा कि आखिरकार जिमी के पास इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है। तो अभी दोबारा से मैं इसको फॉलो करना स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि आखिरकार ये इसकी टैक्सी जो है ये कहाँ पर लेकर जाने वाला है। तो गाइस, अभी ना ये जिमी की गाड़ी को फॉलो करते हुए मुझे पूरा का पूरा आधा घंटा हो चुका है, बट पता नहीं यार आखिरकार ये अपनी टैक्सी को लेकर जाने कहाँ पर वाला है। या तो इसको हमारे ऊपर शक हो गया है
और ये हमसे छुपने के लिए बस अपने टैक्सी ड्राइवर को पैसा दिए जा रहा है और उसे इधर उधर जाने के लिए बोल रहा है। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी को अभी तक इससे बहुत दूर रखा हुआ था और एक सेकेंड अभी तक ये अपनी गाड़ी रास्तों पर चला रहा था, बट ये इस लेफ्ट में इधर एक पुराना घटिया नाला है वहाँ पर अपनी गाड़ी को क्यों लेकर जा रहा है यार। हेलो, और ये टैक्सी ड्राइवर भी कैसा है, उसकी बात मान भी रहा है भाई, ये पक्का उसे बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है। बट वेट, ये कहाँ चले गए भाई अपनी गाड़ी को लेकर? भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा भाई। वेट, अभी थोड़ी सी साइड ही रखता हूँ मैं अपनी गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो दूर दूर तक एक बंदा नहीं नज़र आ रहा है भाई। और ये जिमी को ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम पड़ गया जो वो रोल्स रॉयस किसी बंदे को देकर या फिर बेचकर एक टैक्सी में बैठकर पता नहीं कैसी घटिया सी जगह पर आ रहा है। वेट, पहले तो ना मैं लेन चेंज कर लेता हूँ ताकि इसको हमारे ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो। मैं अगर जितना इससे गैप बना के रखूँगा ना उतना ही बढ़िया रहेगा। बाकी तो इसका ध्यान इस टाइम पर पूरा फ़ोन में होगा तो ये हमें बिल्कुल भी देख तो सकता है नहीं। वो ठीक है। ओह वेट, वो अपनी गाड़ी यहाँ से लेफ्ट ले रहा है। वो लेफ्ट में तो यार एक टनल है ना। और भाई वेट, भाई वो अपनी गाड़ी को सही में इस टनल के अंदर लेकर जा चुका है यार। वेट, अभी तो मेरे को भी जाना होगा क्योंकि मुझे पता करना है कि आखिरकार, पहली बात तो ये कि जिमी को इस टनल के बारे में कैसे पता चला। ये टनल मुझे खुद नहीं मालूम थी, लेस्टर ने हमें बताई थी जब हमने डायमंड कैसीनो की हाइस्ट करी थी और एक भी छोटी मोटी चोरी करी थी तब की बात है। बट पक्का यार जिमी किसी तो बहुत ज़्यादा गलत काम में इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसका चुपचाप से पीछा करने वाला हूँ, बस ये मेरी गाड़ी का साउंड ना सुन ले। तो अभी मैं अपनी इस रेंज रोवर से जिमी की टैक्सी फॉलो करता हुआ इस टनल के एंड पॉइंट पर पहुंचने वाला हूं जहां पर ये टनल एंड हो रही है। बट एक सेकेंड, यहां पर तो वो टैक्सी रुकी हुई है और उस टैक्सी में से बहुत ज़्यादा धुआं भी निकल रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहां पर आकर इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया हो। चल भाई तू भी बाहर आ जा यार, गन वगैरह निकाल ले क्योंकि यहां पर शायद से मुझे थोड़ी बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है। भाई मैं सही सोच रहा था भाई, यहाँ पर इनकी टैक्सी का तो एक्सीडेंट हो गया। बट ये एक्सीडेंट नेचुरली नहीं हुआ भाई, या तो एक्सीडेंट करवाया गया क्योंकि जो ड्राइवर है उसको मार के इस गाड़ी के ऊपर बैठा के कोई गया भाई साहब। और इस गाड़ी में जिमी आया था, बट मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि जिमी ऐसा कर सकता है यार। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक बंदे को मार दे और उसके बाद उसे उठा के उस गाड़ी के ऊपर ही रख दे। और गाड़ी में से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से धुआं निकल रहा है। तो ये फटाफट से ना मुझे अपने बॉडी गार्ड को लेकर इस टनल के अंदर चलना चाहिए। बट हाँ, मैं पैदल नहीं जाने वाला हूँ, हमें फटाफट से यार गाड़ी के अंदर बैठना होगा क्योंकि भाई ये जगह सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है अभी। मतलब जिस टैक्सी का फॉलो कर रहे थे हम लोग ताकि हमें जिमी मिल जाए, आके जाना वो कहाँ जा रहा है वो सब पता चल जाए। अब यहाँ पहुँचे तो देखा जिमी का आता पता ही नहीं है, और जिस टैक्सी को फॉलो कर रहे थे उस टैक्सी का ड्राइवर मारा जा चुका है। टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया बहुत खतरनाक तरीके से, धुआं वगैरह निकल रहा है। वैसे यार जहां तक मुझे लगता है जिमी उस टैक्सी ड्राइवर को मारने के बाद इस टनल में यहीं से आगे गया होगा। बट यार वो पैदल कितनी दूर जाएगा, ये टनल बहुत ज्यादा बड़ी। और एक सेकंड, अभी ना फटाफट से मुझे गाड़ी से उतर के चलना चाहिए देखने के लिए कि आखिरकार सामने क्या तमाशा चल रहा है। अपना बॉडी गार्ड भी मेरे साथ आने वाला है, थोड़ा चुपचाप चलते हैं ताकि जिमी को बिल्कुल मालूम ना पड़े कि उसके पीछे हम लोग आ चुके हैं। भाई तू भी अपना गन आराम से हाथ में लेके रखियो क्योंकि कुछ पता नहीं आखिरकार यहाँ पे क्या ड्रामा चल रहा है। पता चला जिमी हमारे ऊपर ही टूट पड़े। और एक सेकंड, इसने यहाँ पर ऑलरेडी किसी एक बंदे को शायद से मार दिया है और अभी ये दूसरा जो बंदा सामने बैठा हुआ है उसको भी शायद से मारने के लिए जा रहा है। भाई वेट यार, क्या चल रहा है यहाँ पर? ओ भाई साहब, इसने उसको भी मारते उसके पीछे से कुछ यहाँ पर और बंदे आ चुके हैं जो कि जिमी को पीटना शुरू कर रहे हैं बहुत बुरी तरह। बेसबॉल बैट लेकर आ गए हैं वो लोग। भाई मेरे को तो लग रहा है यहाँ पर जिमी की बहुत बुरी पिटाई होने वाली है, जो कि यार देखने में बिल्कुल सही नहीं लग रही। मुझे समझ नहीं आ रहा यार क्या करना चाहिए। वेट, मेरे पास एक कट्टा है, मन तो कर रहा हूँ कि भैंस की टांग अब इनके पड़ेगी। निकल यहाँ से, तू भी निकल। अभी मेरे को इनको मारना ही पड़ेगा वरना यार ये लोग जिमी को मार डालेंगे। चल तू भी चल फटाफट से भी मैं चल के सबको मार रहा हूँ। यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, इसको मैंने मार दिया। और एक सेकेंड, तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैंने और मेरे बॉडी गार्ड ने मिलकर यहाँ पर हर एक गुंडे को मार दिया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और भी बंदे थे और ये देखो इसको यहाँ पर पीछे छुप के बैठा हुआ है। खैर ये सब तो ठीक है, यहाँ पर हमने सबको निपटा दिया। बट जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे जिमी, वो यार अभी सच्ची में यहाँ से गायब। और एक सेकंड, वहाँ पे जिमी सामने उस पिलर के पीछे खड़ा हुआ है। बट ये करना क्या चाह रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नहीं, जिमी ने उस बंदे को मार दिया और वो वैन लेकर यहाँ से भाग रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे फटाफट से चलना होगा इस वैन को। वैन रोको, तेरी ऐसे की तैसे पंचर तो करूंगा मैं टायर। वैन लेके पता नहीं कहाँ यार जिमी भागना चाह रहा है।
मैंने उसका शायद से टायर पंचर कर दिया और पैदल जाएंगे तो पहुंच गए भाई। यार बॉडीगार्ड क्या कर रहा है यार, अपनी जल्दी से रेंज रोवर लेकर आ यार। अब तक तो जिमी बहुत ज्यादा आगे निकल गया होगा। और एक सेकंड रुक जाओ, गाड़ी मैं ड्राइव करने वाला हूँ, पीछे तू ही बैठेगा, क्योंकि यार मेरे को भी इनकी ड्राइविंग पे विश्वास नहीं है। भले ही हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए पूरे टाइम मेरे साथ है। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से कुदाते हैं। और अपनी गाड़ी बहुत खतरनाक है इन सब रास्तों पे चलाने के लिए। और उसकी तो बेचारे की वैन थी, तो ना ही उसमें ज़्यादा स्पीड है ना ही उसके कंट्रोल्स अच्छे हैं। तो जहाँ तक है मैं उसे जल्दी से जल्दी उसके पास तक पहुँच सकता हूँ। बट यार वो दूर दूर तक मुझे ओके सामने ही जा रहा है वो। एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं इसको ऐसे शो करता हूँ कि मैं इसका पीछा ही नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मैं जानना चाह रहा हूँ ये करता क्या है इन पैसों का। और अभी मैंने एक अलग टनल पकड़ लिया है चुपचाप से इसका पीछा करने के लिए। और वे अबे अलग रास्ता ना चले जाए वो। यहाँ पर भाई ट्रेन ट्रैक है प्रॉपर, बट वैसे यार जहाँ तक मुझे लग रहा है जिमी इस मेट्रो स्टेशन पे तो नहीं उतरा होगा, क्योंकि आसपास मुझे उसकी वैन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो फटाफट मैं भी यहाँ से आगे बढ़ने का ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर एक अलग ही रास्ता, वो जा रही है उसकी वैन। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी गैप बना के ना चुपचाप उसे फॉलो करते हैं। शायद उसको भी हमारे ऊपर डाउट नहीं होगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बाकी बस आगे पीछे से यार ट्रेन ना आ जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत खतरनाक वाली। गाइस आखिर ये जिमी पता नहीं अपनी इस घटिया सी वैन को कहां पर लेकर जाना चाह रहा है। फिलहाल अभी मैं चुपचाप से इसको फॉलो करता करता काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। और मुझे स्नाइपर डर इस बात का है कि कहीं सामने से कोई ट्रेन ना आ जाए और मैं उसमें ठुक ना जाऊं। खैर अभी पीछे से एक ट्रेन आई थी, वो तो चलो साइड से निकल गई। और जिमी ने भी अपनी वैन को सही टाइम पर साइड कर लिया था। और अभी इसने अपनी वैन को यहां से राइट मोड़ लिया है। और फाइनली इतनी देर बाद जाकर मुझे आसमान देखने को मिला। ये पहले यहाँ से ना चले जाए, मैं अपनी गाड़ी को आराम से निकालूंगा। लेट्स गो, उसने अपनी गाड़ी को लेफ्ट ले लिया है। अब फटाफट से रेस मारते हैं और चुपचाप से आगे लेकर चलता हूँ अपनी गाड़ी को। उसे पता नहीं चल, अबे उसने स्पीड बढ़ा ली, उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर है फिर भी बहुत तगड़ी ड्राइविंग कर रहा है भाई। जिमी के पास तो भी लाइसेंस भी नहीं है और फिर भी वो रोड पे इतनी बुरे तरीके से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, मैं इन सब गाड़ियों के थोड़ा बहुत पीछे रहता हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार ये जाना कहाँ पर चाह रहा है। यार ये आज तो ना जिमी को फॉलो करते करते मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो चुका है। और तो और अभी मुझे बेनी का भी फोन आया था और वो कह रहा है कि उसने अपनी फरारी को रिपेयर कर दिया है और अब हम लोग उसको जाके टेस्ट कर सकते हैं। रिपेयर नहीं, मीन्स अपग्रेड कर दिया है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। बाकी ठीक है, जिमी अभी तक तो कहीं और जा रहा था। और अभी ये प्लैटिनियम कार्स की डीलरशिप पे आ चुका है और इसके हाथ में कोई तो ब्रीफ केस है जिसको लेकर ये उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। वेट भाई, ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है? प्लैटिनियम कार्स, ये लग रहा है कोई नई डीलरशिप खुली यार लॉस सैंटोस में। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं चला था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिमी ने कहीं अपनी खुद की पर्सनल डीलरशिप तो नहीं खोल ली। और जिन बंदों को इसने मारा था शायद से पक्का इसने भाई उनसे कुछ पैसे वैसे चुराए, क्योंकि इसके हाथ में जो ब्रीफ केस था वो इसके पास पहले ही नहीं था। एक मिनट रुक जाओ, अपने बॉडीगार्ड को गाड़ी में बैठे रहने देते हैं। मैं यहाँ पर ना दूर से चेक करता हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है डीलरशिप के अंदर। मेरे बिनाकुलर्स निकाल लूँ पहले मैं। ओके भाई, डीलरशिप तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, यहाँ पर मस्त मस्त कार्स भी खड़ी हुई है। बट मुझे यहाँ पर अंदर ना कोई भी नज़र नहीं आ रहा यार। जिमी यहाँ पर अंदर आया है, ये देखो ये अपना ब्रीफ केस लेकर यहाँ पर आ चुका है। लगता है जिमी यहाँ पर अपनी कोई बिजनेस डील के लिए आया है, या फिर हो सकता है इनमें से कोई गाड़ी परचेस करने के लिए वो यहाँ पर आया हो। बाकी अभी वो यहाँ पर शायद से गाड़ियाँ देख रहा है, बहुत तगड़ी तगड़ी कार्स है। अब मैं समझ गया हूँ इसने करा क्या है। इसने पहले अपनी रोल्स रॉयस बेची, उसके बाद कुछ गुंडों को मार के उनसे भी पैसे छीने, और अब यहाँ पर ये कोई पक्का कार ही खरीदने के लिए आया, वरना ये इस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं देख रहा होता। वहाँ पर वो येलो वाली कार है। अब मुझे देखना है कि गाड़ी क्यों खरीद रहा है और इतनी ज़्यादा क्या ऐसे जरूरत पड़ गई गाड़ी की। यहाँ पर कोई ऑरेंज कलर की तगड़ी कार खड़ी है, मुझे दिख नहीं रही, थोड़ी बहुत मैक्लारेन जैसी लग रही है। बाकी यहाँ पर ये जो लैम्बोर्गिनी है ये बहुत ज़्यादा तगड़ी है। जिमी अपना, उसने वो येलो कार भी कैंसिल कर दी, ये वाली भी कैंसिल कर दी। लगता है गाइस जिमी को ये लैम्बोर्गिनी हुराकान एसटीओ पसंद आ गई है, क्योंकि ये इस गाड़ी को बार बार घूर घूर के देख रहा है, या फिर ये किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में। और वेट भाई, इसने सीधा डीलर के पास जाके लग रहा है इस गाड़ी की फाइनल डील कर लिया है। जिमी ने इतनी ज़्यादा तगड़ी गाड़ी खरीद ली, मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा भाई इसके ऊपर इस टाइम पे। और ये अभी गाड़ी में बैठने जा रहा है, वैसे कार तो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, गाड़ी में से छीन लूँगा। क्या मस्त पेंट हो रखा है यार इस गाड़ी में चारों तरफ टायर्स वगैरह में। और डीलर तो ये पेंट नहीं है गाइस, ये सारी की सारी नियॉन लाइट्स थी।
इस टाइप की कार मैंने अभी तक लॉस सैंटोस में नहीं देखी है। गाइस आखिरकार ये जिमी ने इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद कैसे ली, मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। खैर वो सब छोड़ो, गाड़ी खरीदी तो खरीदी, अब उसके बाद ये इस गाड़ी को लेकर जाने कहां पर वाला है वो मुझे देखना होगा। पक्का ही अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करने के लिए ले जाएगा ये वाली गाड़ी। बाकी यार वो सब ठीक है, एक बार ही देखूँ तो इसका वेट गैराज से अपनी गाड़ी ये बाहर तो यहीं से निकाले। वो देखो उसने अपनी गाड़ी वहां से बाहर निकाल लिया है, मैं इसको फॉलो करने वाला हूं। और जहां पर ये अपने दोस्तों गाड़ी चमकाने जाएगा ना वहीं पर इसको उतार के पूछेंगे कि आखिरकार इसके पास इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से। और वेट, अबे भाई उसने तो अपनी गाड़ी बहुत तेज भगा ली और इस टाइम पर उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि उसकी गाड़ी की स्पीड यार सच्ची में बहुत ज़्यादा है। और अपनी गाड़ी ठुक लग गई भाई उसको फॉलो करने के चक्कर में। भाई ये जिमी अपने हाथ से बच निकला, बट कोई नहीं, घूम फिर आके एट द एंड आएगा तो घर पे। अभी इसको जाने दो, इसको फॉलो करना इम्पॉसिबल है भाई, वो देखो गायब हो चुका है, दूर दूर तक मुझे बनना ही नहीं नज़र आ रहा है, क्या करे। चलो कोई नहीं, अभी ठीक है, फटाफट से यार बैनी वैसी मुझे बहुत देर से बुला रहा है, कल अपना रेस है, एक बारी रेस नहीं पड़ जाए उसके बाद मैं जिमी से ना अच्छे से बात कर लूँगा, प्रॉपर पता करेंगे कि आखिरकार इसने ऐसा कौन सा क्राइम करा है, फिर क्या काम करा है जो उसके पास इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है। भाई साहब मैं अपनी रेंज रोवर लेकर बैनी के गैराज पे चला गया था फरारी टेस्ट करने के लिए और बैनी मुझे फोन करके बता रहा है कि वो फरारी को लेकर हमारे मेंशन पे आ गया है और हमारा जो बॉडीगार्ड है वो उसको घर के अंदर घुसने नहीं दे रहा है क्योंकि वो उसे जानता नहीं। कह ठीक है, अभी फटाफट से ना हम लोग पहुंचते हैं उसके पास, मतलब खाली पीली के इतने ज़्यादा लंबे चक्कर लग गए। एक तो जिमी ने परेशान कर रखा था सुबह से, कह ठीक है शायद से यही बैनी है, मतलब इस वाले गेट से अंदर जा रहा है ये। वेट एक मिनट रुक जाओ, मैं अपनी गाड़ी ना पहले साइड लगाता हूँ, और वैसे भी अभी घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से मुझे बैनी के साथ ही चलना है, अपना बॉडी गार्ड जो अपनी रेंज रोवर को संभाल लेगा। हेलो ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मेरी बैनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसने हमारी इस फरारी डबल एक्स के को इतना खतरनाक मॉडिफाई कर दिया है कि हम लोग चाह रहे थे कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर चले जाए, बट ये कह रहा है अब ये गाड़ी उससे भी ज़्यादा तेज स्पीड में चलने वाली है। बट उसके लिए हमें इस गाड़ी में ना थोड़ा बहुत नाइट्रो डलवाना पड़ेगा और कुछ अलग टाइप का पेट्रोल इसके अंदर डलेगा, तो फटाफट से ना पहले तो इस गाड़ी को लेकर चलते हैं पेट्रोल पंप पे, वहाँ से इसमें पेट्रोल डलवाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस गाड़ी को समझ लो उड़ाने वाले हैं। बाकी चुपचाप से ना पहले मैं आराम से इस गाड़ी को लेफ्ट मोड़ता हूँ क्योंकि अभी मैं इसे भगाने नहीं वाला, मेरे कंट्रोल्स उतने अच्छे हैं नहीं इस गाड़ी के ऊपर फिलहाल तो। बाकी ठीक है, इस टाइम पे रोड भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो रखे है, दोपहर का टाइम है, मैं यहाँ से आराम से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ता हूँ और अभी ना हम लोग नॉर्मल टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिरकार बैनी ने जो इसके अंदर बूस्टर लगाया है वो ऑन करने के बाद ये गाड़ी कितना स्पीड पकड़ने वाली है। एक्चुअली क्या है, ये नॉर्मल मोड पे है, उसके बाद ये चले जाएगी टर्बो मोड पे, बट वही उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल और फ्यूल डलवाना पड़ेगा क्योंकि वो फिर अलग ही पावर यूज़ करेगी गाड़ी। लेट्स गो, आगे पेट्रोल पंप आ चुका है, हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी को। आज यार रास्ते इतने ज़्यादा खाली क्यों है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। हाँ मान लिया सब, भाई साहब ये कौन सी कार है यार, ये कार मैंने पहली बार देखी लॉस सैंटोस में। क्या ठीक है, वो विंटेज कार लग रही थोड़ी सी, बट ठीक है अभी फटाफट से अपनी कार को यहाँ पर पार्क करते हैं और इसके अंदर फ्यूल फिल करवाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल अपनी फरारी में नाइट्रो बूस्टर फ्यूल फिल हो चुका है और अब टाइम आ चुका है इस गाड़ी के इंजन को फुल ओवर हीट करने का ताकि जो गाड़ी है ऑटोमेटिकली टर्बो मोड पे चले जाए। ये क्या कर रखा है भाई बैनी ने इसके अंदर, पहाड़ी के पीछे से बहुत खतरनाक फ्लेम्स निकल रही है वो, शायद नहीं, ये देखो अपनी गाड़ी टर्बो मोड पे चले गई है। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओह वेट भाई, इसकी स्पीड यार सच्ची में बहुत ज़्यादा है यार, मतलब मैंने हल्की सी रेस दी गाड़ी यार बिल्कुल उड़ने को हो रही है, थोड़ा बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। खैर ठीक है, अभी रोड मेरे को पूरा खाली दिख रहा है तो अपनी गाड़ी को मैं भगाता हूँ क्योंकि मेरे को टेस्ट करना है कि आज ये 500 किलोमीटर कैसे जाती है। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, ये गाड़ी जितनी तेज भाग रही है ना उससे ही ज़्यादा तेज ये रुक भी रही है। जैसे कि अगर मान लो मैं आऊँ, ये देखो स्पीड सीधा 300 किलोमीटर पर आवर से कम में 100 के भी अंडर आ जा रही है, पता भी नहीं चल रहा। बाकी यार कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है ये कार, और मुझे थोड़ा बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया इसके कंट्रोल्स वैसे ही बहुत डिफिकल्ट हैं और अभी मैं थोड़ा डाउट में हूँ मुझे इस गाड़ी से रेस करना चाहिए या फिर नहीं करना, बट हाँ इससे रेस करा यार बहुत आसान हो जाएगा, लोगों की गाड़ियाँ 300 नहीं पहुँच पाएगी और ये भाई 500 जा सकती है, बट मेरे को इसे टॉप स्पीड टच कराना थोड़ा रिस्की लग रहा है क्योंकि सामने बहुत सारा ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक को थोड़ा बहुत ओवरटेक करने में हार्ड होने वाला है। कोई राइट में है कोई लेफ्ट में है, मैं काम करता हूँ आगे से ना यू टर्न लेता हूँ क्योंकि आगे का रोड थोड़ा बहुत ख़राब है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो मेरे को बस यहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए। वेट आराम से अपनी गाड़ी मोड़ूंगा मैं। अरे भाई अभी ठोक देता है ये,
वो तो सही है, इसमें स्पीड बहुत ज्यादा है, मैंने फटाफट से आगे कर ली। कहते का टाइम आ गया, 3-2-1 लेट्स गो। अब मैं इसको 500 टच करा के देखने वाला हूँ कि क्या ये सच्ची में 500 जा सकती है या फिर नहीं। वैसे तो इसकी यार मेरे को लग नहीं रहा कोई जरूरत है, बट मेरे को फिर भी चेक करना है एक बार। और आगे का पूरा रोड एकदम मेरे को खाली नजर आ रहा है। मैं इस टाइम स्पीडोमीटर नहीं देख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है 500 गई या फिर नहीं गई। अगर मैं स्पीडोमीटर देखूंगा ना एक सेकंड के लिए भी कि गाड़ी ठुक सकती है भाई। गाइस इस हाईवे पे तो अपनी फरारी की टॉप स्पीड टेस्ट नहीं होने वाली क्योंकि ये लॉस सैंटोस का मेन हाईवे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। बट मेरे पास एक जगह और है जहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में भगा सकते हैं और कोई ज्यादा भीड़ भाड़ भी वहाँ पर नहीं है, बट वो जगह थोड़ी बहुत दूर है। लेकिन अगर देखा जाए ये कार, इस कार के लिए भाई कुछ भी दूर नहीं है। जब भी जाएगी ना अपनी 300-400 की स्पीड में, कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। खैर थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, सेकंड्स नहीं थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर से जाने के बजाय क्यों ना थोड़ा एक अलग रास्ते से चलें, लोगों का रिएक्शन लेते हुए अपनी इस कार पे, क्योंकि कार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जो इसके पीछे से फायर फ्लेम्स निकल रहे हैं ना, ये और भी बहुत ज़्यादा एपिक। और एक सेकेंड, अबे लोग तो इससे डर के भाग रहे अपनी गाड़ी से, ये देखो जितने लोग हैं ना। हेलो, हेडफोन में गाने सुनते हुए आ रही है और ये भी डर की भाई। यहाँ पर दुकान वाले खड़े हुए, हेलो क्या कर रहे भाई। ये गाड़ी कार नहीं, एक मॉन्स्टर बन चुकी है। कहाँ जब भी मैं इसको ले जाता था लोग इसकी फोटो वोटो खींचते थे, बट अभी तो लोगों को लग रहा है पता नहीं जलती हुई गाड़ी उनके पास आ गई है जो कि थोड़ी देर में ब्लास्ट हो सकती है। रुक जाओ यार, मैं लोगों को परेशान नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। सॉरी, मैं खाली पीली इधर स्पीड टेस्ट करने आ गया। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट की, फटाफट वहाँ से मतलब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, बाकी भाई गलती सीन हो रखा है यार इधर तो। अभी मैं अपनी इस फरारी को लेकर लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने वाला हूँ। बाकी यार एक बात तो माननी पड़ेगी, सामने कितना भी ट्रैफिक हो मैं इस गाड़ी में आंख बंद करके रेस दे सकता हूँ, क्योंकि यार इसके कंट्रोल्स इतने ज़्यादा बढ़िया हैं और मुझे फुल कॉन्फिडेंस हो चुका है अब इस गाड़ी के ऊपर कि मैं कितनी भी रेस दे दूँ आराम से इस गाड़ी को कंट्रोल करके रोक सकता हूँ। बाकी यार हम लोग अभी एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी वाले भैया किस बात की जॉब कर रहे हो, गाड़ी आ गई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ठीक है, मेरे को फटाफट से ना सामने पहले तो मेन ट्रैक पे ले जाना होगा गाड़ी को, और अब टाइम आ चुका है इसकी टॉप स्पीड मारने का। सामने एक प्राइवेट जेट जा रहा है, शायद से लैंड हुआ है फिर पता नहीं टेक ऑफ होने जा रहा है। गाड़ी की स्पीड 500 पहुंच गई है और क्या मस्त टाइम पे ब्रेक लगा है यार, लेट्स गो। एक बारी थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस तरफ में और फुल स्पीड मारते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इस बार ये 500 यस पहुँच गई बहुत ईजिली। ब्रेक डन भाई, मैंने गाड़ी को पूरा टेस्ट कर लिया है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट रन और मारते हैं। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाला रेस हम लोग ही जीतने वाले हैं। तो चलो एक काम करते हैं, जाते जाते ना इस गाड़ी का टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं। अभी तक हमने चेक करा कि गाड़ी 500 जा सकती है या फिर नहीं, बट अब टाइम आ चुका है ये पता करने का कि ये 500 से कितना ऊपर जा सकती है। लेट्स गो भाई, बेनी ने इसको क्या मस्त अपग्रेड करा है। इसकी जो ब्रेकिंग है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है, मतलब उसकी वजह से मैं इसे आग बंद करके खुला भगा रहा हूँ। और अगर यही ब्रेकिंग अपनी बुगाटी बोलाइट में होती ना तो आज वो भी गाड़ी हमारे पास होती। बाकी 530 जा चुकी है भाई, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है कि गाड़ी के इंजन के पीछे से ब्लू स्पार्क्स क्यों निकल कर आ रहे हैं पता नहीं, या फिर ये तो इसकी मॉडिफिकेशन का कोई हिस्सा है या फिर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम आई होती तो गाड़ी इतने अच्छे से नहीं चल रही होती यार, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा सही तरीके से चल रही है, बट अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चिंगारियाँ निकल रही है गाड़ी के इंजन में से। इसका इंजन बहुत ज़्यादा बड़ा है इसीलिए बैक साइड में है, मतलब सुपर कार्स का इंजन ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। ये मेरे को लग रहा है गाड़ी ना कुछ ज़्यादा ही ओवरहीट हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें से धुआं निकल रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों यार गड़बड़ लग रही है। बारी मैं चला के देखता हूँ, गाड़ी ख़राब हुई तो अभी चलना बंद हो जाएगी। वेट, इसको यहाँ से नहीं लेकर चलते, मेरे को वैसे सामने को जाना है, फटाफट से गाड़ी भगाते। पुलिस हमारे पीछे थोड़ी आ रही होगी, हमने गाड़ी में मॉडिफिकेशन ही तो करवाए हैं। बाकी अरे क्या हरकत हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गाड़ी में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, वो देख रहे हो गाइस। बेनी कह रहा है कि गाड़ी के कॉन्टिन्यूसली ओवर हीट रहने की वजह से इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस मेजर प्रॉब्लम हो गई है और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मुझे गाड़ी को ऑफ करना होगा। बट दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि गाड़ी ऑफ नहीं हो रही है और इसे बेनी अपने गैराज में ले जाके ऑफ कर सकता है मैनुअली, बट गैराज में जाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी की स्पीड अगर 200 किलोमीटर पर आवर से कम जाती है तो ये गाड़ी के इंजन में आग लग जाएगी, जो कि अभी हो गया है। मैं बेनी के गैराज नहीं जाने वाला, वहाँ पर जाने का रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। हाईवे पर ही एक लॉस सैंटोस कस्टम्स का शॉप है, वहाँ पर भी बेनी ये काम कर सकता है उसके टूल्स यूज़ करके, तो फटाफट से ना वहाँ पर चलते हैं। अरे प्लीज़ 200 से नीचे मत जाइए, देख रहे हो अभी तो इंजन से बस धुआं निकल रहा था, बट ये जो आग लग रही है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। ये मेरे को यार थोड़ी सी गलत फील आ रही है इस गाड़ी के साथ, फिर रास्ते खाली हैं और इसी का तो फ़ायदा उठाना है मेरे को।
यहाँ से लेफ्ट लेना है और सामने एलएस कस्टम है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम लोग पहुँच गए। थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक अगर मिला ना तो यार कसम से बहुत गलत वाली गड़बड़ हो सकती है। सामने कार है, हटा ले भाई। अबे इसके क्या कर रहा है यार ये गाड़ी वाला, गलत ही सीन। भागो भागो भागो, गाड़ी रुकी और अभी फिर को तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बैनी भी भाग के पीछे जा रहा है भाई साहब, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए थी। तो गाइस अभी ना फटाफट से मुझे यहाँ पर फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाना चाहिए, वरना थोड़ी देर में शायद से अपनी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। लेट्स गो, मैंने उनका नंबर डायल कर दिया है, क्योंकि यार अपनी जो गाड़ी की आंख है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और बुझने का नाम ले नहीं रही। अरे भाई गाड़ी साइड से निकाल ले, लेट्स गो। फायर डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी यहाँ पर भेजो भाई, सारे बंदे डर के भगा रहे हैं इस गाड़ी को देख के। मेरे पास ना फायर एक्सटिंग्विशर है, क्यों ना मैं खुद से अपनी गाड़ी को बुझाने का ट्राई करता हूँ। बैनी तो मेरे हिसाब से रिपेयरिंग का सामान लेने के लिए चला गया, भाग कर गया था भाई वो भी। भाई थोड़ा सा गैप बना लो भाई, गाड़ी फट जाएगी फिर करते रह जाना ड्रामे। लेट्स गो, बुझ जा भाई प्लीज। इतना ज़्यादा इसमें मैं स्मोक मार रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। वेट, अभी तक गाड़ी के पीछे आग लगी थी पर धीरे धीरे गाड़ी के अंदर भी आग लग चुकी है। और भाई साहब मेरे को नहीं लगता कि ये आग किसी भी कीमत पर बुझने वाली है। गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल है, मैं आराम पीटूंगा ना इतना। बगल बगल से चिल्लाते हुए जा रहे हैं मेरे। ओह भाई ये क्या भाई साहब, अभी तक तो गाड़ी से जो आग निकल रही थी ना वो भी बंद हो गई है। बाकी यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ चुकी है। जल्दी से भाई साहब, रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसे, तुमसे कुछ ना होने का। बाहर निकलो, बाहर निकलो। अबे रोक, बाहर निकल। ये लोग खुद डर के भाग रहे हैं कि इतनी महंगी गाड़ी जल रही है, मैं बुझाना है तुम्हें इसको। पीछे हट जाओ सारे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी गाड़ी को बुझाने का ट्राई करता हूँ। और अबे हट जाओ यार, मैं बुझा ही रहा हूँ गाड़ी अपनी। भाई यहाँ पर अलग ही तबाही से चला रखे इन लोगों ने। लेट्स गो, गाड़ी को यहाँ पर मैं अच्छे से बुझा पा रहा हूँ। आग तो सारी की सारी बुझ गई एकदम मस्त तरीके से फाइनली भाई, बट अभी भी गाड़ी के अंदर से जो स्पार्किंग है ना वो बंद नहीं हो रही है। अब गाइस गाड़ी की आंख बुझी गई है, तो फटाफट से ना मैं एक बारी बैनी को भी फोन करके बुला लेता हूँ, एकदम बढ़िया रहेगा। वो फटाफट से आके इस गाड़ी को रिपेयर कर देगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी अपनी ये जो गाड़ी है ये ओन होने के लायक भी है। मैं बोलने जा रहा था अपनी गाड़ी ठीक हो जाएगी। और फैंस के हटा इसको तेरी ऐसी की तैसी पिटा, गाड़ी फट गई है लेकिन यहाँ पर उनको नजर नहीं आ रहा सारे के सारे। एक मिनट रुक जाओ यार, अब तो वैसे कुछ होगा नहीं यार अपनी गाड़ी का पूरा सीन खराब हो गया भाई। जिस गाड़ी के थ्रू हम लोग रेस करना चाह रहे थे वो तो गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट हो चुकी है। अब क्या फ़ायदा भाई आने का भाई, अगर ये लोग उस टाइम आ जाते तो भाई अपनी गाड़ी बच जाती। अभी भी गाड़ी के अंदर से स्पार्कलिंग निकल रही है भाई, इतनी ज़्यादा बुरा ब्लास्ट होने के बाद भी गाड़ी के अभी कुछ कुछ कॉम्पोनेंट जल रहे हैं। और जिस गाड़ी के क्या बोले भाई, जिस गाड़ी से हम लोग कल रेस करने जा रहे थे वो गाड़ी आज भाई अपने पास नहीं रही। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए, मेरे पास और कोई कार भी नहीं है। अब ना मैं कल की रेस जीत पाऊँगा और ना इस गाड़ी को सही सलामत घर पे वापस लेकर जा पाऊँगा। एक बारी बैनी को कॉल करके बुलाता हूँ, वैसे तो अभी इस गाड़ी का कुछ नहीं हो पाएगा बट सॉल्यूशन भी तो चाहिए कि आगे अब हमें करना क्या होगा। इस गाड़ी को तो मैं रिपेयर करा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी कल की रेस के लिए हमें कोई ना कोई गाड़ी का इंतज़ाम करना होगा यार अभी कुछ भी करके। तो अभी फ़िलहाल बैनी भी यहाँ पर आ चुका है और ये कह रहा है कि अब ये जो अपनी गाड़ी है ये किसी भी काम की नहीं रही। ऑब्वियसली यार पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो इसका हर एक पार्ट प्रॉपर जल के राख हो गया होगा अब तक तो। बाकी यार मुझे ना इस टाइम पर दो बहुत ख़तरनाक दुख एक साथ हो रहे हैं। पहला ये कि अपने हाथ से एक बहुत ज़्यादा रेयर लिमिटेड फरारी की कार जा चुकी है अपने हाथों से, मतलब जो 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ सकती थी। और दूसरा जो किस बात का हो रहा है, कल का जो टूर्नामेंट होने वाला है उस टूर्नामेंट को जीतने छोड़ो खेलने के लिए भी अपने पास कोई कार नहीं है, मतलब लैम्बोर्गिनी सियान वगैरह उस टूर्नामेंट में नहीं जीत पाएगी यार, वहाँ पे बहुत तगड़े बंदे आ रहे होंगे। अब बैनी से एक बारी बात करता हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। वेल अभी मेरी फ़िलहाल बैनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कल की रेस को जीतने के लिए अपने पास दो सॉल्यूशन है। पहला ये कि हम लोग सेम टू सेम एक और इसी टाइप की गाड़ी का जुगाड़ कर ले, जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। और दूसरा सॉल्यूशन ये कि एक और कार है जिस कार के अंदर सेम टू सेम यही वाली मॉडिफिकेशन हो रखी है, यानी वो वाली कार भी 500 किलोमीटर पर आवर जा सकती है टर्बो मोड के साथ। बट सारा सीन ये है कि वो गाड़ी अपने एक बहुत घटिया पुराने दुश्मन के पास है, जो कि है डेविन वेस्टन। तो अभी अपने पास कोई और ऑप्शन है नहीं, अभी यही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भाई ये गाड़ी चाहिए तो चाहिए,
बाकी बेनी स्कूटी पता नहीं क्यों चलाता है, इतने बड़े गैराज का ओनर होने के बाद भी घटिया सी स्कूटी भी घूमते रहेगा। हटाओ इसकी भैंस की स्कूटी, यहीं पर खड़े रहने दो। मैंने इसको बोल दिया कि भाई कुछ भी करके जो मेरी फरारी है ना ये अपने गैराज में ले जाइए और रिपेयर करने का ट्राई करिए। वैसे मुझे पता है इसे रिपेयर करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट कोई नहीं, मैंने उसे बोल दिया है, वो भी टोइंग सर्विस को ही कॉल कर रहा है। मीन्स वो अपनी इस गाड़ी को ना यहाँ से टो करा के घर पे ले जाएगा। फिलहाल अभी मुझे फटाफट से जाना होगा डेविन वेस्टन के पास। वैसे तो यार अपने पास ना इस टाइम पैसों की कमी नहीं है, मतलब अगर वो अपनी गाड़ी 1 मिलियन 2 मिलियन 3 10 मिलियन डॉलर तक की भी या फिर उससे भी ज़्यादा की बेचेगा तो मैं वो खरीद लूँगा। क्योंकि अगर मैं कल वाली रेस जीत जाता हूँ तो जिस बंदे ने हमारे ऊपर बेट लगाई है वो भी तो हमें बहुत सारा पैसा देने वाला है ना, तो सारा पैसा वहाँ से वसूल हो ही जाएगा। तो इसलिए फटाफट से चलते हैं डेविन वेस्टन के पास। जितने पैसों की वो गाड़ी बेचेगा मैं उतने पैसे देके उससे वो वाली कार खरीद लूंगा और कल की रेस के लिए फुल रेडी हो जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी नहीं हूँ। तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर डेविन वेस्टन के अल्ट्रा लग्जरी मेंशन पे पहुंचने वाला हूँ। बस मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत स्ट्रेट जाना है और हम लोग पहुंच गए हैं। बाकी यार अब बस ऐसा ना हो कि ये घर पे ही ना हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये इधर उधर दूसरी कंट्रीज में घूमता रहता है। तो ओके मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है, उसका बॉडीगार्ड यहाँ पर खड़ा हुआ। हेलो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ अभी? भाई ये मेरे को यहाँ से वापस जाने के लिए बोल रहा है। मेरे पास लेकिन डेविन का नंबर है, मैं इसे एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने इस बॉडीगार्ड की डेविन वेस्टन से बात करवा लिया और डेविन वेस्टन तो हमें अच्छे से जानता ही है, उसके लिए हमने बहुत काम करा है। मूवी जो उसकी प्रोड्यूस हुई थी एक्चुअली वो मूवी हमारी थी, बट उसका सारा पैसा डेविन वेस्टन ने कमाया, वरना आज हम लोग एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर होते। और हमारे पास भी कुछ इतना तगड़ा लग्जरी मेंशन होता और एक बार ही आप लोग ना सामने तो देख ही लिया होगा इसकी जी वैगन। बाकी लेफ्ट साइड में देखो इसके पास वर्ल्ड की सारी महंगी एसयूवी है, रोल्स रॉयस क्लीनन, बेंटली, बीबन टाइगा और रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी उरस। मेरे को ऐसा लगता है कि डेविन वेस्टन प्रॉपर एसयूवी फैन है, सारी की सारी तगड़ी एसयूवीज इसके पास है। बाकी बॉडीगार्ड कहाँ चला गया ये? वेट, मेरे को ना यहाँ से नीचे जाना है। अभी इसके सिक्योरिटी गार्ड खाली पीली पकड़ के मुझे पूछताछ करने लग जाते, जिससे मेरी गेट पे बात हुई थी उसने कहा था कि इस टाइम पे डेविन अपना फुल रेस्ट कर रहे हैं, बाहर स्विमिंग वगैरह करने के लिए गए हुए हैं। लेट्स गो। तो इसका स्विमिंग पूल आपने देखा हुआ बाहर की साइड पे, भाग के चलते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं यार, गाड़ी वगैरह सब कुछ मुझे चाहिए होगी। और क्या मस्त घर बना रखा है यार इसने। बाकी जिसके साथ हम लोग आए थे वो यहाँ पर वेट कर रहा है। ठीक है ब्रो, थैंक यू यहाँ तक मुझे लाने के लिए। अभी फटाफट से ना मैं चलता हूँ सीधा डेविन वेस्टन के पास। काश ऐसा घर हमारा भी हो जिससे सामने पूरा एकदम ओशन का जो व्यू है ना कितना मस्त लग रहा है, नीचे पूरा हाईवे भी दिखता है। और शायद से देखो वोरा सामने डेविन वेस्टन स्मोकिंग कर रहा है, उतेरी स्विमिंग कर रहा है भाई, फुल मस्त बंदा अपना मजे में। चारों तरफ गार्ड्स लगा रखे हैं ताकि कोई बंदा दूर ऊर से भी गोली वोली ना मार दे। क्या ठीक है अपना ये थोड़ा बहुत इंजॉय मस्ती वस्ती कर ले, तो इससे एक बारी मिलके बात करते हैं। भाई यार ये कितनी स्विमिंग करेगा, मैं 10 मिनट से इसको खड़े होकर देख रहा हूँ कि बाहर आए इससे मैं बातचीत करूँ, लेकिन नहीं, बंदा अपना तैरने में लगा हुआ है। क्या ठीक है शायद से अभी ये बाहर आ रहा है, यार लाइफ हो तो इसकी जैसी हो, क्या मस्त मजे काट रहे है। क्या ठीक है अभी फटाफट ना हम लोग इससे बात करते हैं कि हमें इसकी जो पर्सनल फेवरेट कार है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने वाली वो हमें कितने में देगा। अभी मेरी फिलहाल डेविन वेस्टन से बात हो चुकी है, ये कह रहा है गाड़ी तो हमें दे देगा बट उस गाड़ी के बदले ये हमसे पैसे नहीं ले रहा है। मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक बार कोई 10 मिलियन 15 मिलियन डॉलर्स ले ले और गाड़ी दे दे, बट ये साफ साफ मना कर रहा है कि तुम कितना ही पैसा दे दो ये गाड़ी हमें पैसों के बदले नहीं, हमें इसका एक काम करना होगा उस चीज़ के बदले ये हमें अपनी वाली कार देने वाला है। बाकी मैंने इससे पूछा था कि टेस्टिंग के लिए मिल सकती है, तो उसने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि इसको पक्का पता है हम लोग इसकी वो गाड़ी चुरा लेंगे। बाकी इसने जो हमें काम दिया है वो काम भी कोई इजी नहीं है, मतलब एक गाड़ी देने के बदले ये हमसे एक गाड़ी मांग रहा है। ये कह रहा है कि एक कार है जो कि लॉस सैंटोस में अभी अभी आई है, जो जेड टाइप कार है आपने देखी होगी, वो बहुत ज़्यादा रेयर है इसलिए वो इतनी ज़्यादा महंगी है और इन सब अमीर बंदों को पसंद आती है, तो इसको वो वाली कार चाहिए। इस कार की लोकेशन इसने मुझे दे दिया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, एक एरिया है जहाँ पर पता नहीं वो किस बंदे की कार है उसने वहाँ पर छुपा रखी है, हमें वो कार जाके किसी भी कीमत पर चुरा के लानी। और भैंस की इतना ज़्यादा बड़ा घर बना लिया, एग्जिट कहाँ पर है मुझे पता ही नहीं, बॉडीगार्ड इसके पास तक साथ आया था। अगर अब मुझे घर से वापस जाना है तो मेरे को यहाँ से पैदल जाना होगा, मैं कूद के जा रहा हूँ भाई इस तरफ से, इतना ज़्यादा बड़ा घर है रास्ते ही भूल गया भाई मैं एक मिनट के अंदर ही। खैर ठीक है यहाँ से अभी राइट को मुड़ते हैं और ये देखो भाई इसकी क्या मस्त मस्त कार है। खैर ठीक है अभी इसके लिए वो जो गाड़ी है मुझे कुछ भी करके चुरानी होगी, और चुराने की दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कल दोपहर को ही मुझे रेस के लिए निकलना है, यानी कि गाड़ी चुराने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज रात और कल दोपहर तक का ही टाइम है, जो कि जहाँ तक है
16 से 18 घंटे ही मेरे पास है भाई, 18 आवर्स में ये सब कैसे पॉसिबल है? शायद लेस्टर हमारी कोई ना कोई हेल्प कर सकता है। फटाफट ना यार, अभी मुझे भाग के यहाँ से निकलना चाहिए। अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं लेस्टर के पास, क्योंकि अगर मैं कल वो रेस जीत गया तो समझ लो भाई अपने पास भी ऐसा ही घर होगा। और जो इसके पास SUV खड़ी थी ना, मान के चलो ये सारी कार्स अराउंड 3 करोड़ से ऊपर की है, तो हमारे पास भी ऐसी गाड़ियाँ आ जाएगी। इसीलिए भाई कुछ भी करके मुझे ये सारा काम करना ही करना है। वेल, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के घर पे, क्योंकि इस टाइम वही एक बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है। बाकी यार लेस्टर भी क्या सोचता होगा कि माइकल जब प्रॉब्लम में आता है इसको तभी मेरी याद आती है, और जब कभी पार्टी वगैरह करने हो तो इसको बेचारे कोई बुलाता ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, लेस्टर बस इस बारी मेरी हेल्प कर दे, मैं इसको आधे से ज़्यादा पैसे दे डालूंगा, आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ भी इसी को दे देंगे। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं घर में। बट यार एक मिनट, मैं अपनी गाड़ी ना साइड में पार्क लगा देता हूँ, पता चला कोई ठोक वोक के चले जाए। वैसे अभी एक इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी हमारे हाथों से जा चुकी है, पता नहीं कितना छोटा घर है लेस्टर के पास, इतना पैसा आ गया सब कुछ है, फिर भी इस छोटे वाले घर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी यार अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं थोड़ा सा आगे करके यहीं पर पार्क कर देता हूँ, और अब चलते हैं लेस्टर से मिलने के लिए। बाकी यार डेविन के घर के वहाँ कितना ज़्यादा मस्त मौसम हो रखा था, चारों तरफ अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, मस्त व्यू था। बट लॉस एंजेलिस में पता नहीं क्यों आज इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश होने लगी अचानक से। लेट्स गो, चलते हैं लेस्टर के पास। और हेलो लेस्टर, घर पे नहीं है क्या? एक सेकेंड, यहाँ पर इसके वेट, ये यहाँ पर अपना आराम से नीचे बैठ के वो काम कर रहा है। गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और शायद से आज ना इसकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब चल रही है। बाकी इसने अभी मुझे ना अच्छे से पूरा प्लान बता दिया है कि मुझे क्या करना है जेड टाइप कार को लेने के लिए, जो कि डेविन वेस्टर्न को चाहिए। मतलब पहले हमसे वो कार लेगा, हम लोग उसके लिए चुरा के लाएंगे, उसके बाद ही हमें वो अपनी 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चलने वाली कार देने वाला है। और एक सेकेंड, मुझे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए ना ऊपर से ही जाना होगा, मैं पता नहीं क्यों नीचे उतर के आ गया। हाँ, तो लेस्टर ने जो हमें प्लान बताया है उस प्लान के लिए पहले तो भी मुझे ना घर पर जाके सोना है, अपना पूरा बेस बदलना है, क्योंकि लेस्टर कह रहा है अपने लॉस सैंटोस की जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी है हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और इस टाइम पे हमें अपनी शक्ल कहीं पर भी नहीं दिखानी कि हम कोई भी क्राइम कर रहे हैं, वरना आगे चल के हमें सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है मिलिट्री वगैरह से। तो प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग एक LSPD यानी लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर चुराने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि डेविन ने कहा था जिस जगह पर वो गाड़ी है उसका कोई एग्जैक्ट घर नहीं पता, बस एक एरिया पता है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, उस बंदे का नाम पता है। तो पहले हमें उस एरिया को पता करना पड़ेगा गाड़ी का है। तो जो LSPD का हेलीकॉप्टर है उसको चुराने का हमारा फायदा यह है कि हम लोग हर एक एरिया की डिटेल्ड इन्फो निकाल सकते हैं, हर एक बंदे का नाम उस हेलीकॉप्टर के सेंसर से ही पता कर सकते हैं। तभी हेलीकॉप्टर वाले हमें ऊपर से ही ढूंढ ढूंढ के मारते थे, और किसी को नहीं मारते थे। तो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई है। बाकी उस हेलीकॉप्टर को हम लोग अभी नहीं चुराने वाले, लेस्टर कह रहा है अभी रात के 12 बजे हैं, जाके अपना घर पे रेस्ट करो। हम लोग हेलीकॉप्टर चुराएंगे रात में 4 बजे, क्योंकि उस टाइम पे आधे से ज़्यादा शहर शांत होता है, पुलिस वाले भी आधी सिक्योरिटी हो जाती है रात में, तो अपने लिए बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। फिलहाल अभी फटाफट से चलते हैं अपने घर पे। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने लॉस सैंटोस के पुराने वाले घर पर ही आ चुका हूँ, क्योंकि जितनी भी अपनी ड्रेस है ना जिसको पहन के हम लोग चोरी वगैरह करते हैं, अपने फेस छुपाने वाले सारे के सारे मास्क, वो सारे के सारे कॉस्ट्यूम आउटफिट्स इसी वाले घर के अंदर हैं। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को ना यहीं पर ला के पार्क कर देता हूँ और चलते हैं अंदर। और इस घर में आए हुए भी यार कितना ज़्यादा टाइम हो गया, बट अच्छी बात यह है कि ये घर की प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, अपनी जो मेड है वो यहाँ पर आती है, और अपना जो गार्डनर है वो यहाँ पर इस घर की पूरी मेंटेनेंस करता है, वरना अभी तक तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया होता। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं ऊपर, कपड़े वगैरह बदलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट डे क्या, अभी मेरे को 4 बजे हेलीकॉप्टर चुराने जाना है, मतलब आज सोना नहीं है भाई, आज सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से मुझे काम ही काम करना है। पहले रेस्ट कर लेते हैं यार थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मस्ती करेंगे खूब। वेल, रात के 4 बज चुके हैं और अपना अलार्म भी बज गया है, और मैं सोकर उठ चुका हूँ। फटाफट से चल के अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और फिर चलते हैं सीधा इस कार की हाइस्ट पे। ओके, तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर मस्त पुलिस वाली आउटफिट पहन लिया है और अब मैं अपने मिशन के लिए फुल रेडी हूँ। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं सबसे पहले लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट पे उनका हेलीकॉप्टर चुराने के लिए, और उसके बाद चलेंगे हम लोग वो कार को ढूंढने के लिए और फिर उसको चुराने के लिए। बाकी अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पुलिस वाला कॉस्ट्यूम क्यों पहना है, मैं लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ड्यूटी करने तो नहीं जा रहा हूँ? तो देखो सीन कुछ ऐसा है, काफ़ी टाइम पहले लेस्टर ने ना हमारे लिए एक फेक पुलिस का ID कार्ड बनाया था, मतलब जिसको दिखाकर हम लोग पुलिस वाला काम चला सकते हैं। अब बस कोई सीनियर ऑफिसर हुआ तो वो हमें पकड़ लेगा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पकड़ लेगा तो फिर हमारे पास हथियार है ही,
गोलीबारी करनी पड़ जाएगी, बट कोई नहीं, अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। बाकी लेस्टर ने मुझे ये भी बोला था कि पुलिस डिपार्टमेंट ये वाली कार लेकर मत चले जाना, थोड़ी दूरी गाड़ी खड़ी कर देना, पैदल जाना बाकी का रास्ता, क्योंकि सीधी सी बात है बाकी पुलिस ऑफिसर देखेंगे भाई ये घर की गाड़ी में क्यों घूम रहा है, पुलिस वालों की गाड़ी में घूमना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग गाड़ी को छुपा देंगे और पैदल जाएंगे डिपार्टमेंट के अंदर, फिर टॉप फ्लोर पे जाके हेलीकॉप्टर वाले बंदे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि सीन ऐसा है पुलिस वाले हेलीकॉप्टर नहीं चलाते, उनका एक प्रॉपर पायलट होता है, तो हमारे लिए वो साथ साथ रहने वाला है, जो कि अच्छी बात है, हमारी हेल्प करेगा वो चोरी में। बाकी यार लॉस सैंटोस में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना पूछो मत, मतलब यार इतना ट्रैफिक दोपहर के 4 बजे नहीं था जितना रात के 4 बजे, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ट्रक ही ट्रक एकदम मस्त घूम रहे हैं, वो भी बहुत तेज़ आंधी बारिश में। बाकी ठीक है मैं पुलिस डिपार्टमेंट पहुँच चुका हूँ, एक काम करता हूँ वैसे आगे वाले कट से ही मेरे को, वेट पहले इनको निकल जाने देते, हाँ तो मेरे को आगे वाले कट पे ही जाना है वैसे तो। वेल सामने मेरे पुलिस डिपार्टमेंट है, मतलब मैं पहुंच चुका हूं, और एक काम करता हूं अपनी गाड़ी को ना डिपार्टमेंट के सामने नहीं, उतरी भैंस की सामने तो लग रहा है भाई किसी का एनकाउंटर चल रहा है, ओ भाई पुलिस वालों को ही मार दिया यहां पर, तो अगर किसी और पुलिस वाले ने देख लिया तो मेरे को मारेगा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूं और पुलिस वालों का साथ नहीं दे रहा हूं, बट हां असलियत में थोड़ी पुलिस वाला हूं, तो इसलिए मैं जिस मिशन के लिए आया मुझे यहाँ पर हेलीकॉप्टर चाहिए वो लेते हैं। अपनी गाड़ी को इस गली में ना चुपचाप से खड़े कर देता हूँ, ताकि अगर कल को भागना पड़े जरूरत पड़े तो मेरी गाड़ी मुझे सही सलामत सही जगह पर मिल जाए। फटाफट से अभी भाग कर निकलते हैं, और यार इतना ज़्यादा खतरनाक मौसम सिर्फ आज के दिन ही होना था क्या यार, मतलब खाली पीली का खराब माहौल बना पड़ा है डेंजरस सा। वैसे यार इस टाइम ना मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा होगा और मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि लेस्टर ने कहा था सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है, और दूसरी जगह वो बोल रहे हैं कि तुम फेक आईडी कार्ड लेकर चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, सीधा रूफ पे जाना और हेलीकॉप्टर को एक्सेस कर लेना, पायलट को बोलना खुद भी नहीं चलाना वरना पुलिस वालों को शक हो जाएगा कि हम लोग पक्का चोरी थे। ठीक है मैं अभी अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर अपना पुलिस वाले फुल मस्त ड्यूटी करने में लगे, और किसी का खास शक मेरे ऊपर नहीं क्या है, और किसी बंदे को पकड़ के लाए हुए हैं, इसने कोई हरकत वगैरह करी होगी, और अभी पुलिस वाले उसकी बैंड बजा रहे हैं, मारो मारो पैंस की, चोरी करता है जेबे काटता है बस में। खैर ठीक है अभी मेरे को लॉकर रूम से टॉप पे जाने का रास्ता कौन सा, रूफ एक्सेस, ठीक है मैं आर एस वाले डिपार्टमेंट में सच्ची में ज़्यादा नहीं आया हूँ, और शायद से अभी ये थोड़े टाइम पहले ही रीडिज़ाइन भी हुआ है। लेट्स गो फटाफट से चलते हैं ऊपर, और शायद से ऑथराइज पर्सनल ओनली, हम लोग फुल ऑथराइज हैं, थर्ड फ्लोर है और भी ऊपर है, ओके मैं यहाँ आया हूँ एक बार ही आया हूँ बस पहले, रूफ एक्सेस, हम लोग टॉप पर आ चुके हैं, और पूरा पायलट ओह मेरे को देख के वो पहले से ही रेडी है कि हम लोग कहीं पर जाने के लिए आए हैं। लेट्स गो सर, फटाफट से बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर, और अभी हम लोग जाने वाले हैं इसके साथ। भाई फाइनली यहाँ पर हमने हेलीकॉप्टर चुरा लिया, तो हाँ चुराया ही है भाई, थोड़े बहुत मास्टरमाइंड लेस्टर के मास्टरमाइंड प्लान से। तो गाइस अपने साथ ये जो पायलट है ना ये सच्ची में बहुत ज्यादा मजेदार है, पहली बात तो ये अपनी हेलीकॉप्टर को काफी ज्यादा ऊंचाई पर लेकर आ चुका है, और ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास मशीन है ना इसके थ्रू अगर मैं किसी के ऊपर भी एम करता हूँ, उसकी बॉडी स्कैन करता हूँ, तो मैं उसका नाम और उसके बारे में और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जान सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पर ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है तो इस टाइम पर सारे के सारे बंदे घर में ही घूम रहे हैं। बेटी कोई है क्या, नहीं यार ये ना अपने लिए सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि बारिश में कोई बंदा बाहर निकलेगा नहीं, और अगर हम लोग उसकी बॉडी स्कैन नहीं करेंगे तो पता कैसे करेंगे कि आखिरकार हमारी गाड़ी कहाँ पर है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ अभी ना इसको मैं यहीं कहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए बोल देता हूँ, हम लोग कल सुबह जाने वाले हैं टेस्टिंग के लिए, ये जगह मुझे बढ़िया लग रही है, अपने हेलीकॉप्टर को ना अभी मुझे यहीं पर लैंड करवाना चाहिए। तो लास्ट नाइट मैंने 4:30 बजे पुलिस डिपार्टमेंट से ये हेलीकॉप्टर चुरा लिया था, बट काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से और बारिश होने की वजह से हम लोग जी टाइप कार को ढूंढने नहीं जा पाए, बट अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, मस्त एकदम धूप निकल गई है, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टाइम है अपने मिशन को कंटिन्यू करने का, क्योंकि आज ही रेस है और अपने पास अभी अपना मिशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे बजे हैं, 12 बजे मुझे निकलना होगा अपना रेस खेलने के लिए। अपना पायलट यहाँ पर आकर बैठ चुका है, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है मैं हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाने वाला, मुझे उस गाड़ी को ढूंढने पे फोकस करना है। वेल तो अभी हम लोग अपनी हेलीकॉप्टर को लेकर मस्त इस जगह से टेक ऑफ कर चुके हैं, बाकी अभी मैंने इस पायलट को बोल दिया है डायरेक्ट उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर डेविन वेस्टन को जी टाइप कार स्पॉट हुई थी, और उसे बस इतना पता है कि यहीं कहीं पर किसी बंदे के पास है, तो मैं वहाँ पर जाकर उस बंदे को उसकी गाड़ी को ढूंढना है। उस बंदे का नाम हमें पता चल चुका है, चैड उसका नाम है, बाकी अभी चलते हैं देखते हैं कि वो बंदा घर में है कमरे में है बाहर है, बाकी
मेरे को थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा और मैं मेरे को चेक करना है कि मैं कैसे इसके थ्रू स्कैन कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो तीन लोग मुझे डिटेक्ट हो गए हैं। वेट, मैं अगर आउट ऑफ रेंज, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो पहले अपने हेलीकॉप्टर को ना थोड़ा बहुत वहाँ तक पहुँचना होगा। वेट, अपना पायलट चला सही रहा है, बाकी मैं से थोड़ा बहुत जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। और सामने वहाँ नीचे छत पे लड़ाई चल रही है दो बंदों की, वो बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं, आई थिंक आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मैंने डिटेक्ट करना ट्राई करता हूँ। क्या इसका नाम देखते हैं, क्या स्कैन लैरी नाम है इसका, ये नहीं है, ये जिस बंदे को पीट रहा है पता कर लेते हैं ये कौन है भाई। यहाँ पर दो लोगों की मस्त लड़ाई चल रही है, ग्रेग या फिर ज्रेज जो भी इसका नाम हो, बट हाँ जो भी है वो नहीं है। नीचे एक लड़की खड़ी हुई है, इसका नाम कैटी, कैटी तो बिल्कुल नहीं है। बाकी यहाँ पर नीचे एक बंदा ट्रक में काम कर रहा है, इसको पता करती है कि क्या ये बंदा वो तो नहीं है जिसके पास जी टाइप कार है। नेल्सन नहीं यार, ये भी नहीं है। और बंदे एक है यहाँ पर आसपास जिनको मैं स्कैन कर सकता हूँ। वेट, मेरे को तीन टारगेट दिखा रहा है, मैंने इसे एक सेकेंड, ये तो नेल्सन है, मैंने इसे ट्रैक कर लिया है, रुक जाओ थोड़े बहुत। और टारगेट मुझे यहाँ पर, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे हैं और पक्का इनमें से तो कोई ना कोई अपना टारगेट होगा। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, कुछ तो इधर लड़ाई वड़ाई चल रही है क्या, एक मिनट रुक जाओ, ये कौन है, जूलियो, ओके। और यहाँ पर दो लोगों का कुछ तो, भाई साहब यहाँ पर नीचे दो लोग बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रहे हैं। एक बारी इनकी मैं बॉडी स्कैन करके देखता हूँ आखिरकार कौन है। जोसेफ भाई, यहाँ पर एक बंदा गन लेकर आ गया और इन दोनों लोगों को गोली चलाने वाला भाई है, बट ये मेरे को तो यही लग रहा है फिर, एक ये लड़की है यहाँ पर और ये तो मेलिसा, ये नहीं है। यहाँ पर भाई मेरे को तो लग रहा है कुछ गड़बड़ी चल रही है। वेट, उसने उस बंदे को मार दिया, पक्का यही होगा अपना टारगेट। मैं इसकी बॉडी स्कैन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, खैर छोड़ो यार, शायद से ये नहीं है अपना टारगेट, मैं पता नहीं क्यों इसकी बॉडी स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर भी दो शायद से कपल्स हैं, वेट एक बार इसको ट्राई करता हूँ मैं, ओके। चैट, यही है अपना टारगेट गाइस, और ये शायद से इस टाइम पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। ओके, तो अभी मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है और वो यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब बस मुझे अपना एम इसी की तरफ रखना है ताकि मैं इसे खो ना बैठूं। मुझे प्रॉपर पता करना है कि आखिरकार ये किस घर में जाने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है ये जिस घर में जाएगा वो घर इसी का होगा। भाई यहाँ पर इसके ऊपर एक डॉगी भौंकने लग गया है और ये खड़ा होगा, वैसे डॉगी भी इससे डर के भाग गए। ये पक्का कोई ना कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसे हम लोग जानते ही नहीं है, मतलब ये छुप के काम कर रहा है सारा का सारा, क्योंकि जी टाइप जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 कार है। यहाँ पर किसी ने शूट करा यार, मेरे को किसी के। बाकी यहाँ पायलट ये कह रहा है कि हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पुलिस बुला के इसको पकड़ लेते हैं और उसकी गाड़ी छीन लेंगे। मतलब छीनेंगे नहीं, पुलिस को ऐसा लग रहा है हम इसके पास चोरी की गाड़ी है, बट पुलिस को ये नहीं मालूम हम लोग फेक हैं और हम लोग उल्टा गाड़ी चुराने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाकी ये सीढ़ी उतरता हुआ नीचे तो आ गया है, बट ये जाने का वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं, इतनी महंगी गाड़ी लेकर ये इधर उधर कहाँ। इसने यहाँ पर अपना गैराज ओपन करा और ये सच्ची में गाड़ी में ही बैठने के लिए आया क्या, क्या इसके अंदर इसकी कार है। सामने हमारी अपनी एक्स्ट्रा पुलिस आ गई है और पुलिस ने इसके ऊपर एम कर लिया, ये डर चुका है। ओ वेट वेट वेट, वहाँ पे पीछे भी कुछ लड़ाई चली और ओह वहाँ पे किसी ने किसी को गोली मार दी और ये अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जा चुका है। पुलिस क्या कर रहे हो भाई, वो लोग गाड़ी नहीं निकाल रहे, ये देखो ये जा रही गाड़ी, यही है गाइस जी टाइप जो कि डेविन वेस्टन को चाहिए। अगर ये गाड़ी हमने चुरा ली तो अपना काम हो जाएगा। शायद यार मुझे हेलीकॉप्टर से ना भी जंप मार देनी चाहिए, क्योंकि अपना जो पुलिस वाले हैं वो इसका पीछा तो कर रहे हैं बट वो शायद बहुत ज़्यादा स्लो हैं। मुझे उनको बताते रहना है कि आखिरकार ये गाड़ी लेकर कहाँ पर जा रहा है। भैया कितनी विंटेज कार है और क्या मस्त चल रही है, देख रहे हो अलग ही दिख रही है भाई रोड पे जाती हुई। अरे पुलिस वालों कहाँ हो, ये रे अपनी पुलिस वाली कार पीछे तो जा रही है, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, वो जी टाइप है भाई। उसकी कुछ एक्सीडेंट हुआ शायद यहाँ पे, नहीं हुआ, उसने दो गाड़ियाँ ठुकवा दी और खुद निकल गया। ठीक है मैं इसको पूरा फॉलो करवा के रखता हूँ। भाई साहब ये बंदा अपनी गाड़ी इतनी बुरी तरह भगा रहा है ना इन सड़कों पे कि इसके चक्कर में बाकी लोग का बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो जा रहा है। ठीक है अभी भाई इसने क्या निकाली है यार यहाँ से गाड़ी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कैसे कर ले रहा है इतनी बढ़िया ड्राइविंग। ये देखो क्या मस्त ड्रिफ्ट मारी, ये गाड़ी को लेकर अभी इस तरफ आ चुका है। भाई अपने पुलिस वाले से नहीं पकड़ पाएंगे शायद, मुझे ये अभी हेलीकॉप्टर से कूदना पड़ेगा। ओ वेट, ये अपनी गाड़ी को इस गली में लेकर गया है, गली में गाड़ी ले तो आया और इसने अपनी गाड़ी, यार ये अपनी गाड़ी एक पार्किंग में ले गया और अभी मुझे उसका व्यू नहीं मिल रहा है, ये पार्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो पुलिस वालों जल्दी से जाओ उस पार्किंग में,
जल्दी 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 जल्दी, अपनी पुलिस वाली गाड़ी भी वहाँ पर जा चुकी है और शायद से भी मुझे भी इस पार्किंग के अंदर चलना चाहिए। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैंने अपने हेलीकॉप्टर को यहीं पर लैंड करवा दिया है क्योंकि जेड टाइप वाले बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बेचारा अपनी गाड़ी को लेकर इस पार्किंग के अंदर चला गया और उसके पीछे अपना एक पुलिस ऑफिसर जा चुका है जिसने शायद से अभी तक तो उसको अरेस्ट भी कर लिया होगा। यानी कि कुल मिला के हमें वो गाड़ी मिल चुकी है, फटाफट से भाग के चलते हैं वहाँ पर और हम भी उसके एक आध लाठी बजा देते हैं जो ये मैं लेके घूम रहा हूँ। बाकी मैंने छत पे लैंड तो करवा दी, मैं नीचे कहाँ से जाऊँगा? ओके, यहाँ पर रास्ता है, मुझे ना डायरेक्ट पार्किंग वाली छत पे अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना चाहिए था, आराम से मैं उतरता हुआ आता। बट ठीक है, मैंने एकदम मस्त जंपिंग वगैरह सीख ली। और भाई यहाँ पर पुलिस वगैरह और आ रखे, शायद से किसी ने एक्सीडेंट वगैरह कर दिया है। बहुत सारी पुलिस इस जगह के आसपास आ गई है, लेट्स गो, फटाफट से भाग के हम लोग चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। वैसे गाइस एक बारी ना लुक एंड फील देखो कि आखिरकार माइकल के ऊपर ये पुलिस वाला रोल कितना ज्यादा बढ़िया लगता है। बट एक सेकेंड, सामने से मुझे कोई पिस्टल शूट होने की आवाज आई है अंदर पार्किंग से, कहीं वो जो पुलिस ऑफिसर गया था उसको। भाई साहब यहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे हैं, यानी वो जो गाड़ी वाला बंदा था वो सच्ची में कोई बहुत ज्यादा खतरनाक डोन था। अभी मुझे अपनी गन निकाल के इन बंदों का मुंह तोड़ना ही पड़ेगा। ये वाली जो रिवॉल्वर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक तो है बट ये बहुत स्लो चलती है। इसको यहाँ पर, अरे पीछे से कहाँ से बंदे आ रहे, इसके निकल यहाँ से। अभी भाई जितने बंदे हैं सबको मुझे मारना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास कोई भी ऑटोमेटिक मशीन गन नहीं है। वेट, ऊपर गाड़ी का मैंने मस्त कवर ले लिया है, रुक जाओ, इस टाइम पर मुझे अपना देसी कट्टा निकालना पड़ेगा इसी से क्योंकि मैं इनका एकदम मस्त बैंड बजा सकता हूँ। आ जाओ तीरी ऐसे की तैसी, अब निकल, एक दो, यहाँ पर गिनतियाँ लगेगी, अब सारे के सारे बहुत बुरा मरने वाले हैं। बट अबे मेरे को लग रहा था उनके पास भी पिस्टल है बट वो तो सारे के सारे AK-47 वगैरह ले लेके बैठे हुए हैं। भाई यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे बंदे हैं। बट पुलिस वाला ऊपर गया था, मेरे को लग रहा था अभी तक उसने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया होगा, वो गाड़ी लेकर नीचे आ रहा होगा, मैं आराम से चिल करता वो अंदर जा रहा था। वेट यार, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई बाहर से भी बंदे आ रहे हैं, ऊपर से भी बंदे आ रहे हैं। और वेट यार, वो ऊपर पीछे से कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? वेट यार, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया। अरे नहीं, वेट वेट वेट, आ जा तीर ऐसे की तरफ से, एक पीछे, मेरे को रुक जाओ, मेरी AK-47 में ज़्यादा बुलेट्स नहीं है बट अभी मुझे वो निकालनी पड़ेगी अदरवाइज ये लोग मुझे फोड़ डालेंगे। इसको यहाँ पर पीछे से जो, अरे भागो भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया, मुझे फटाफट ना यहाँ से निकलना पड़ेगा बैक साइड पे। ओके, तो अभी मैंने अपनी AK-47 निकाल लिया है और ये जो कैसलनबर्ग होटल है मैं इसके एकदम सामने आकर बैठा हुआ हूँ पेड़ के पीछे छुप के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना अपनी बाकी सिक्योरिटी को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। अरे यार वैसी बुलेट्स नहीं है और ये सारे के सारे इतने सारे लोग हैं, इनको मारना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेट्स गो, यहाँ पर जितने हैं एटलीस्ट उनको निपटाता हूँ और धीरे धीरे करके ना मैं ऊपर चलने का ट्राई करता हूँ, अदरवाइज वो जो बंदा है ना वो अपनी कार को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। लेट्स गो, पीछे से जो आ रहे हैं इनको भी निपटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक, ओ नहीं, कवर लेना होगा मुझे, तीन ऐसे तैसे, आ जा आ जा आ जा, निकल यहाँ से, गया, सामने एक बंदा है, ये यहाँ से पीक करने वाला पक्का, थोड़ी चल निकल यहाँ से। दो दो लोग उसके पीछे छुप के बैठे हुए थे, मस्त दोनों के बुलेट्स लगे, एक बंदा ऊपर भी AK-47 लेके आया। मेरे पास ज़्यादा एमो नहीं थी बट इन लोग को मार के ना मैं इनकी एमो ले सकता हूँ यहाँ से। बाकी अभी मुझे यहाँ पर भी कवर लेना होगा। वेट, ये भी गया, सामने जो बंदा आ रहा है ये भी डाउन, और अभी ना मैं एक बारी बस यहाँ पर कवर ले, ओए वेट, आराम से, मुझे दो तीन बुलेट्स लग चुकी है बट ऐसे, ओए मैं एक काम करता हूँ, इनकी ना वाली जो गाड़ी है इसी को ब्लास्ट कर देता हूँ। यार नीचे कितने सारे बंदे घूम रहे हैं, गलत ही सीन हो रखा है यहाँ पर। क्या मैं इस गाड़ी को फोड़ सकता हूँ? नहीं गाइस, मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और यहाँ पर ये इतने सारे लोग आ गए हैं कि मेरे पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मुझे क्या करना चाहिए। एक काम करता हूँ, इस गाड़ी में बैठ, अरे तेरी ऐसे की तैसे, कौन मार रहा है सामने से? वेट एक मिनट, निकल यहाँ से, जितने बंदे यहाँ नीचे आए ना अभी पिटेंगे। सीढ़ियाँ उतर उतर के आ गए भाई सारे के सारे, इम्पॉसिबल है इस टाइम पर इनसे लड़ना, बहुत सारे लोग हैं। मुझे कहीं ना कहीं पर कवर लेके अपनी सारी सिक्योरिटी को यहाँ पर बुलाना होगा, वही इन लोगों को मारने में मेरी हेल्प करेगी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं। वेट, ये भी गया, नाइस। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने अपने सभी बॉडी गार्ड्स को फ़ोन कर दिया, वो कह रहे हैं कि बस वो 5 मिनट में यहाँ पर पहुँचने हैं, बाकी जब तक मैं इनको हैंडल करता हूँ और ये वाले रास्ते पर ना मुझे प्रॉपर टिके रहना है क्योंकि अगर वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भागेगा तो उसको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, ओए भाई भाई भाई, छुपो छुपो छुपो, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ किसी,
और उस गाड़ी से ना इनको टक्कर मारने वाला हूँ मैं अभी, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, अभी भी यहाँ पर सामने से 3-4 बंदे आ रहे हैं, इनको फटाफट मुझे निपटाना है और ऊपर वाले फ्लोर पे चलना है जेड टाइप ढूंढने के लिए। ये ऐसे की निकल यहाँ से। वैसे गाइस मेरे पास ये जो रिवॉल्वर है ना, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है, 4-5 बंदे भी लाइन में है ना, तो ये एक ही बार में 5 को गिरा सकती है। लेट्स गो, एक ही टक्कर में ढेर। बाकी पीछे 2 बंदे हैं, इसके भी मैं ये बचा दिया। अबे यार कहाँ रह गए हैं मेरे सारे बॉडीगार्ड्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे ना गाइस एक बार अपने सभी बॉडीगार्ड्स को दोबारा फोन करना चाहिए, पता नहीं यार ये सारे के सारे कहाँ पर रह गए हैं। ओह वेट, ये लोग सामने ही है, लेट्स गो जल्दी से आओ, वहां पर ही पीछे लड़ाई हो रही है, ट्रेनिंग दे रहा है सबको। ओके, तो अभी ना अपनी पूरी आर्मी फुल रेडी है, आ जाओ भाई। अभी मुझे कुछ नहीं करना, यही लोग सबकी चल के बैंड बजाने वाले, मारो भैंस की। अभी किसी को नहीं छोड़ना, मैं अभी अपनी AK-47 निकाले रहा हूँ। अब देखते हैं भाई किसमें कितना दम है। ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक आर्मर और इतनी तगड़ी ट्रेनिंग लेकर आए ना, ये लॉस्ट गैंग की तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी वाली बैंड बजने वाली है। वो तेरी ऊपर चढ़ चढ़ के मार रहे हैं भाई साहब, ये तो इनको नीचे ही नहीं आने देंगे। लेट्स गो, अभी मेरे हिसाब से कोई भी इनके हाथों नहीं बचने वाला। लेट्स गो, मैं फटाफट से ना इसके साथ चलता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट टॉप पर जा रहा है, जहाँ पर ये लोग, मतलब कि उस बंदे ने पहले से इन लोगों को इस बिल्डिंग, अरे मारो स्किप पैस के, मेरे को भी दिख गया था। ठीक है, अभी फटाफट से मैं यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ। वो लोग नीचे से पूरी, भाई क्या खतरनाक बंदे यार अपने भी, ओ यहाँ पर नीचे से आने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है, नीचे से अपने बंदे आ ही रहे हैं, यहाँ से ये लोग भी चले। चलो 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 ऊपर चलो, मैं बाद में आऊँगा, पहले तुम जाओ भाई, पैसे किस चीज़ के ले रहे हो। बाकी ठीक है, नीचे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अभी फटाफट मेरे को धीरे धीरे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर 3rd फ्लोर पे भी आ चुका हूँ और इन्होंने पूरा का पूरा रास्ता क्लियर कर दिया भाई, बंदों को मार मार के। कहाँ इन्होंने हमारी बैंड बजा रखी थी, बट अपने 2-3 बंदों ने आके इन सब का भाई मुंह फोड़ डाला है। वेट, रुक जाओ। वैसे यार मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार अपनी वो गाड़ी है कहाँ पर। मतलब वो इस बिल्डिंग में ही लाया था, इस पार्किंग में, बट दूर दूर तक मुझे गाड़ी यार कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। मेरे को लग रहा है वो ना भगाता भगाता गाड़ी को टॉप फ्लोर पे ले गया होगा। बाकी तेरी, ओबे बॉडीगार्ड्स जैसे उस रास्ते से गए, ये सारे के सारे लोगों ने इस रास्ते से आना स्टार्ट कर दिया और इसके पड़ने वाला है। अबे भैंस की टांग, वो तो दूर ही दूर से बजा दे रहे। मैं सोच रहा था मैं मारूंगा देसी कट्टा, बट कोई नहीं, एक मैं मारूंगा। कहां पर है तेरी, ऐसे जैसे निकल यहां से। मारे भाई बंदे का मारा, बट ठीक है मारा तो। लेट्स गो, मुझे यहां से एक मस्त कार मिल चुकी है। इस गाड़ी में बैठ के ना मैं जी टाइप कार को ढूंढता हूं, आखिरकार वो है कहां पर। क्योंकि अब अपनी आर्मी आ चुकी है, अपने बंदे आ चुके हैं, मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सबको निपटा देंगे। बाकी ये देखो भाई, ये लोग ऊपर वाली फ्लोर तक पहुंच गए हैं सबको पीटने के लिए। ओ भाई सारे बंदे छत पे थे क्या, क्या गलत ही सीन चला। अब तो ये छत पे भी गए भाई, अब इनसे कोई भी बचने नहीं वाला है। चलो 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 पैंस की, किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो फाइनली गाइस पूरे के पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और शायद से अब जो ऊपर का मामला है वो थोड़ा बहुत ठंडा पड़ गया है। अपने जितने भी बॉडी गार्ड्स हैं उन सभी ने जाकर यहाँ पर इन गुंडों की बैंड बजा दी और ये देखो भाई कितनी लाश यहाँ पर बिच चुके। ओए तेरी भैंस के, ऐसे कौन मरता है, इसको रुक जाओ, मैं नीचे गिरा के ही जाऊंगा, अलग ही एक्शन में मरा। चल उधर ऐसी की तैसी। हाँ लेट्स गो, यहाँ पर वो पुलिस वाले की जो गाड़ी है जिसने इसको चेस करा था, वो गाड़ी यहाँ पर आकर खड़ी हो रही है और इन्होंने पुलिस वाले को घेर लिया है। अच्छा तो मतलब ये लोग पुलिस वाले को मार नहीं रहे बिना मेरी परमिशन के। देखो इसे मारना नहीं है, मैं इसको ना बेहोश कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको घर पर ले चलो, क्योंकि ये अगर पकड़ा गया पुलिस वालों के पास तो ये हमारे बारे में सारी पोल खोल देगा और हम लोग फंस जाएंगे। फिलहाल अपनी जो गाड़ी है वो हमें मिल चुकी है और एक बार ध्यान से देखो ये कितनी ज़्यादा तगड़ी कार है। वैसे हाँ अभी ना एक प्रॉब्लम और हो गई है कि गाड़ी तो हमें मिल गई, बट जिस बंदे की ये कार थी वो बंदा हमारे हाथ से निकल चुका है। बट अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट कार है, लेट्स गो। इस पुलिस वाले का ध्यान रखना, गाड़ी में भर के से घर ले चलो। बाकी अभी फटाफट से ना मैं कार को लेकर निकलता हूँ, मुझे ये जल्दी से डेविन वेस्टर्न को देकर आनी पड़ेगी। उससे एक बारी फोन करके पूछ लेता हूँ कि आखिरकार गाड़ी लेकर आना कहाँ पर है। तो लेट्स गो, उसको डायल करता हूँ नंबर। बाय द वे गाइस, इस टाइम ना मैं वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेयर कार चला रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। एंड आई नो आप में से बहुत से लोगों को ये कार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी, तो शायद आप लोग ने कार की वाइब नहीं समझ पा रहे हो। ये एक प्रॉपर रॉयल विंटेज कार है जो राजा महाराजा चलाया करते थे, कुछ उस टाइप की, और ये वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 10 है। खैर ठीक है, अभी मुझे ना फटाफट से डेविन वेस्टर्न के पास लेकर जाना होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, बट मैं चाह नहीं रहा इतनी महंगी कार को ऐसे बगल बगल पतली पतली जगह से निकालूं। ग्रीन लाइट हो ही चुकी है, लेट्स गो फटाफट से पहुँचते हैं। हाँ मेरी डेविन से फ़ोन पे बात हुई थी और वो कह रहा है कि गाड़ी लेकर ना एयरपोर्ट हैंगर नंबर 3 में आ जाओ। जो हैंगर हमारा हुआ करता था रेंट पे हमने ले रखा था, अब उसको डेविन ने परमानेंट खरीद लिया। भाई पैसा तो बहुत ज़्यादा है डेविन पे, दोस्ती यारी बनानी पड़ेगी ताकि हम लोग भी उसकी तरह अमीर बन जाए। खैर ठीक है, अभी इस गाड़ी को लेकर चलते हैं वहाँ पे। ओ वेट भाई, कसम से इसको चलाते हुए भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट
कोई आइडिया नहीं कितने की होने वाली है। मतलब काफ़ी टाइम पहले हमने यही कार बिग माफिया को ले जा के दी थी गोल्ड में कन्वर्ट करके, वो उसी की थी, हम लोग बस लेकर आए थे। और ये सेकंड टाइम है हम लोग डेविन के लिए कार लेकर जा रहे हैं। वो टाइम कब आएगा जब ये गाड़ी हमारे पास भी होगी। खैर ठीक है, अभी चलते हैं एयरपोर्ट पे। तो फाइनली हम लोग अपनी जी टाइप को लेकर पहुंचने वाले हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे डेविन हमारा वेट कर रहा है। और टाइम आ चुका है उसको ये कार देकर अपनी एक नई सुपर कार लेने का। भाई साहब मैं कसम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस कार को देखने के लिए कि डेविन आखिर हमें ऐसी कौन सी कार देने वाला है जो 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ेगी। बाकी ठीक है, अभी मुझे शायद से ना एयरपोर्ट के अंदर यहीं से जाना होगा। चलो एक काम करता हूँ, आगे से कट कर लेते हैं। मेरा पता है इस कार को कसम से डिवाइडर तक भी चढ़ाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मतलब ये जो होते हैं ना, इसके ऊपर भी ना जाए, प्रॉपर रॉयल तरीके से चौड़े चौड़े रास्तों पर चले। लेट्स गो। तो अपनी गाड़ी को फटाफट से लेकर चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। हेलो सर, गेट ओपन कर दो फटाफट से, गाड़ी आ चुकी है डेविन वेस्टर्न की। ओके, अभी भाई साहब ओके ठीक है, मुझे लेफ्ट साइड में जाना है। भाई साहब मैंने कसम से कभी नोटिस नहीं करा था, मुझे लग रहा था कि डेविन वेस्टर्न ने हमारे वाला हैंगर खरीदा है, बट आज मुझे पता चला वो देखो डेविन वेस्टर्न जेट चार्टर। भाई साहब इतना ज़्यादा बड़ा हैंगर इसने परचेज कर रखा है, कसम से अलग ही बातचीत है यार। इसके पास बिग माफिया से भी ज़्यादा पैसा है कसम से। लेट्स गो, गाड़ी अपनी आ चुकी है। ओके तो अभी फिलहाल डेविन तो अपने प्राइवेट जेट में जाके बैठ चुका है, बाकी इसके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो जी टाइप कार को लेकर चले गए हैं, किसी ट्रक में लोड कराकर उनका कहीं पर ले जाने का प्लान है। बाकी हाँ, इसने अभी ना मुझे वो कार तो नहीं दी है जो 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चलेगी, इसने उस गैराज की चाबी मुझे दे दी है जहाँ पर इसने कार को खड़ा कर रखा है। बट अभी ना मुझे सच्ची में इसके ऊपर थोड़ा बहुत शक हो रहा है कि कहीं इसने हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर दिया। पता चला मैं उस गैराज में जाऊँ और गेट खोलू और फिर उसके अंदर से कुछ निकले ही ना। तो गाइस अभी ना दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं शायद से अपनी रेस के लिए थोड़ा बहुत लेट हो गया हूँ। मतलब 12 बजे वहाँ पे पहुँचने का टाइम था और शायद से 1 PM पे रेस स्टार्ट हो जाएगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं उस गैराज पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर डेविन ने हमारे लिए कार को खड़ा कराया। अब बस ये एक स्कैम ना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं सब कुछ छोड़ के ना अभी के अभी जाके डेविन को मार डालूंगा। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। लेट्स गो। अभी मैंने गाड़ी को यहीं पर साइड में पार्क कर दिया है, यही है वो गैराज जिसकी उसने बात करी थी। फटाफट से अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर वो कार है या नहीं, और वो कार है कैसी। मुझे तो कार का नाम भी नहीं पता है कौन सी कार, दिखती कैसी है, और एग्जैक्ट ये भी नहीं पता 500 किलोमीटर पर आवर जा पाएगी या फिर नहीं। बट हाँ, बेनी ने बोला था तो पक्का ये बात सच ही होगी। लेट्स गो, चलते हैं गैराज में। ओके गाइस, तो ये मैं आ चुका हूँ डेविन वेस्टर्न के सीक्रेट गैराज के अंदर, और ये देखो ये खड़ी वो कार जिसकी बात बेनी कर रहा था। भाई साहब ये सच्ची में कोई छोटी मोटी नहीं, कोई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्पोर्ट्स कार है, और देखने में यार इसके लुक कितनी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है, और इसके ऊपर जो पेंट हो रखा है ना ये बहुत नेक्स्ट लेवल है। और मेरे हिसाब से ये कार ना मैक्स मॉडिफाइड है, इसके ऊपर ये मॉडिफाइड नहीं हो सकती। पीछे यार कितना ज़्यादा तगड़ा स्पॉइलर लगा हुआ है, मतलब यार ए टू जेड मॉडिफिकेशन, टायर से लेकर विंडोज वगैरह सब कुछ इसके अंदर अपग्रेड है। लेट्स गो, बैठते हैं गाड़ी में और गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। भाई इसका साउंड ऐसे कुछ खास लाउड तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फटा हुआ सा साउंड है। मतलब एक मिनट रुक जाओ, मैं इसमें ट्राई करता हूँ फुल रेस देने का। ओके तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को इस गैराज से बाहर लेकर आ चुका हूँ। बाकी यार एक बारी ना आप लोग इसकी लुक ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने कहा था ये कार ना यार कसम से बिल्कुल किलर लग रही है। इसको देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है 4-5 रेसर्स यूं ही भाग जाएंगे। बाकी ठीक है, इसको एक बारी चलाते हैं गाड़ी को। एक सेकेंड, ये अभी से टर्बो मोड पे है, मैंने हल्की सी रेस दी है और ये गाड़ी इतनी ज़्यादा दूर तक ऐसा लग रहा है उड़ते हुए आई है। बाकी ठीक है, अभी थोड़ा सा ना इसको आराम आराम से चलाने का ट्राई करता हूँ। पहले इन पतली पतली गलियों से निकाल के ना अच्छे रास्ते पे गाड़ी ले आते हैं, फिर इसको थोड़ी देर बाद तो भगाना ही है। बाकी हाँ एक चीज़ और है इस कार के बारे में कि जितनी तेज भागती है ना उससे डबल स्पीड में रुकती है। कुल मिलाकर इसके कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, क्यों ना उसको एक बार टेस्ट किया जाए, क्योंकि अब मेरे को लगता नहीं कि मेरे को रेस में पहुँचने में देरी होने वाली है। ये देखो क्या मस्त कंट्रोल है, मैंने गाड़ी की स्पीड एकदम मैक्स करी और उसके बाद ब्रेक भी मार दी। बाकी इसकी भी टॉप स्पीड बिल्कुल फरारी से भी ज़्यादा लग रही है मेरे को, फरारी जैसे ही तो नहीं बोलूँगा। खैर ठीक है, अभी इसको भगाते हैं गाड़ी को फुल स्पीड में, थोड़े से मजे काटते हैं। और भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लाउड है, उस टाइम मेरे को लग रहा था कि बस ये शोर मचा रही है, लेकिन सीन क्या होता है ना गैराज के अंदर पता नहीं चल रहा था, छोटी जगह है। और अभी ये गाड़ी नॉर्मल रोड पर चल रही है ना तो इसका एक्चुअल साउंड पता चल रहा है कितना ज़्यादा है,
और क्या मस्त ब्रेक है यार इस गाड़ी की। मेरा मन कर रहा है इस गाड़ी को लेकर रेस में ना जाऊँ, हाईवे वाईवे पे निकल जाऊँ और फुल स्पीड में भगाऊँ। ये देखो मतलब कितना भी ट्रैफिक हो, बस रेस दो, ब्रेक मारो और आराम से किसी को भी चेस करो, ओवरटेक करो, जो करना करो भाई इस गाड़ी के साथ। बट एक्सीडेंट नहीं होने वाला इस कार से मेरे को लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे ब्रेक्स जो हैं इस कार के। ये बात यहाँ पर आराम से ब्रेक, सीधा स्पीड कम, फिर रेस, फिर ब्रेक, स्पीड कम, तुरंत भागती है और तुरंत रुक जाती है। ठीक है ये भाई साहब चला लो यार, मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, मतलब पतले रास्तों से निकालना है इसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है। ओ वेट आराम से, ये देखना अभी मैं इसे फुल स्पीड में ले जा रहा हूँ, अगर अभी और कोई गाड़ी होती ना तो पक्का वहाँ पे जाके ठुक गई होती, लेकिन ये कार भाई कसम से बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। और शायद से इसमें वो फायर वायर वाला सीन ही नहीं है, ये अभी से टर्बो मोड पे चल रही है पूरी की पूरी। तो फाइनली गाइस मैं अपनी कार को लेकर उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर आज का ये शानदार रेस होने वाला है। बाकी आप लोग नीचे टायर्स के निशान देखो, बहुत खतरनाक कार्स यहाँ पर आ रखी होंगी। वैसे यहाँ मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हूँ, शायद से अभी तक सारे रेसर्स यहाँ पहुँच गए होंगे। बाकी एक बारी सामने भी देखो, यहाँ पर पुलिस वाले और स्वैट सोल्जर्स, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस, पैरामेडिक सब लोग आए हुए हैं, क्योंकि भाई रेस टूर्नामेंट बहुत खतरनाक है, कोई भी हादसा हो सकता है, इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ आ रखी है भाई। हेलो, मेरे को चेकिंग करवानी पड़ेगी शायद से पहले कि मैं एक क्वालिफायर हूँ या फिर नहीं। लेट्स गो, इनसे चल के बात करते हैं और कार्ड दिखाते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी इस गार्ड से बात हो चुकी है और इन्होंने मेरी सारी आइडेंटिफिकेशन चेक करके मुझे यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन दे दी है। लेट्स गो गाइस, बैरियर ओपन हो चुका है और टाइम आ चुका है अपनी इस किलर कार को जंग के मैदान में ले जाने का। तो शांति से तो लेके नहीं जाएंगे, फुल रेव मारते हुए, बर्न आउट करते हुए मैं अपनी गाड़ी को अंदर लेकर जाने वाला हूँ। और यहाँ पर आती एक प्यारा वाला ड्रिफ्ट, आप लोग को लग रहा होगा ठुक गई भाई जाके, बट नहीं भाई, ये कार कोई बच्ची कार नहीं है, तुरंत रुक भी जाती है। बाकी काफ़ी सारी ऑडियंस यहाँ पर आई हुई है भाई इस रेस टूर्नामेंट को देखने के लिए, और ये पूरा का पूरा टेलीकास्ट भी हो रहा है तो बहुत से लोग ऑनलाइन भी देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी आई हुई है और इस तरफ में भी मैक्लारेन, बुगाटी, भाई बहुत तगड़ी तगड़ी कार्स है। बाकी उन गार्ड ने मुझे बोला था कि अभी दो तीन रेसर और आ रहे हैं बाकी, तो जो फ्री स्लॉट है वहाँ पर जाके तुम बैठो, थोड़ा बहुत वार्म अप वगैरह करो, जैसे सारे रेसर आएंगे अपना रेस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी उधर जो बंदा खड़ा हुआ था ना गाइस, वो मुझे पता नहीं कि थोड़ा जान पहचान का लगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले यहाँ पर ना चुपचाप से उतरता हूँ और एक बारी देखना चाह रहा हूँ कि आखिरकार वो बंदा है कौन। मैं रेस में ना एकदम टाइम पे पहुँच गया हूँ, इसे जूम करके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उस बंदे को फ्रैंकलिन, गाइस फ्रैंकलिन भी इस रेस में है। मतलब एक कंट्री से एक ही रेसर जाने वाला था, कुछ तो भाई इसने झोल कराया, क्योंकि यहाँ से मैं जीता हूँ, मैं प्रॉपर क्वालिफाई कर आया हूँ। खैर छोड़ो, जो भी है भी रेस में एक बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉम्पिटिटर हमें मिल चुका है, अब थोड़ी सी हालत टाइट हो रही है। बाकी लैम्बोर्गिनी SVJ63 कोई बात नहीं, सारी गाड़ियाँ हमसे नहीं जीतने वाली अगर इन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखी तो, क्योंकि अपनी कार पूरी क्रिमिनल है इस टाइम पे। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो सारे के सारे रेसर्स मस्त एकदम रेस ट्रैक पे आ चुके हैं और कुछ ही देर में अपना ये खतरनाक रेस स्टार्ट होने वाला है। बाकी मुझे ना दुख एक ही बात का है कि फ्रैंकलिन को यार फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा किया गया है, बाकी मेरे पीछे बुगाटी है, लैम्बोर्गिनी से लैम्बोर्गिनी SVJ मेरे अगल बगल है। खैर ठीक है, टाइम आ गया रेस को स्टार्ट करने का, सारे रेसर्स पूरी रेस देखकर बैठे हैं अपनी गाड़ी में कि जैसे वगे भगा लूं मैं। ओ भाई लैम्बोर्गिनी SVJ वाला, ओ तेरी फ्रैंकलिन को टक्कर दे के वो साइड चला गया और लो भाई आगे जाके भिड़ चुका है। बाकी अपनी गाड़ी में इतनी ज़्यादा पावर है ना कि हम लोग इनको ईजिली हरा सकते हैं। ये देखो हमारी गाड़ी इनसे इतनी आगे रहेगी, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, कुछ इस टाइप की मॉडिफिकेशन हो रखी है, तभी मैं इस गाड़ी के लिए इतना भाग रहा था, क्योंकि मुझे पता है अगर ये गाड़ी मेरे पास आ गई तो मैं टूर्नामेंट किसी कीमत पे हार नहीं सकता। भाई रेस चल रही है, वो बंदा सड़क में खड़े होकर फोन चला रहा है। खैर ठीक है, मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि यार मजा नहीं आ रहा है इस कार से ना रेस खेलने में, यहाँ पर खड़े होकर मैं इनका वेट करता हूँ थोड़ी देर, जब ये लोग आ जाएंगे उसके बाद इनके साथ साथ मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आराम से वेट कर रहा हूँ, आओ और फिर हम लोग सारे के सारे ना साथ में चलते हैं। बाकी उत्तरी भाई मेरे को ना इससे डर लग रहा है, लैम्बोर्गिनी SVJ वाला बहुत ज़्यादा तगड़ा रेसर है यार, इसको मैं भी आगे जाने दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन गाड़ी कैसे कैसे चला रहा है। ठीक है, अभी फ्रैंकलिन इतना तगड़ा रेसर था कहाँ रह गया, दिख ही नहीं रहा हो। ओके, मैक्लारेन भी गई और ये ब्लू वाली कार पता नहीं कौन सी है, भी किसी बहुत तगड़े रेसर की है। और फाइनली यहाँ पर फ्रैंकलिन बेचारा सबसे ज़्यादा पीछे, ये बुगाटी भी गई और ये भी गई, ग्रीन वाली कार भी मस्त है, और ये रही फ्रैंकलिन की लैम्बो और सबसे पीछे आ रही है लैम्बोर्गिनी सियान। ठीक है, अब इनकी बैंड बजाते हैं 2 सेकंड में इनको ओवरटेक करके। गाइस वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है कि फ्रैंकलिन ना जानबूझ के अपनी गाड़ी को धीरे चलाने की एक्टिंग कर रहा है,
ताकि मैं इसको एकदम सीरियसली ना लूं और ये एंड टाइम पे अपनी फुल पावर दिखा के रेस को बहुत ही इजीली जीत जाए। बट कोई नहीं, ये अपने आप को स्लो दिखा रहा है तो मैं अपने आप को सुपर स्लो दिखाऊंगा। मैं ऐसा शो करता हूँ कि मेरी गाड़ी तेज भाग ही नहीं सकती। बाकी देख रहे हो भाई, मतलब अभी जैसी आप सामने ना हाईवे, अभी भाई साहब जिस तरीके से ड्रिफ्टे मार रहा है, मुझे तो कर रहा है ये बंदा इस रेस को मस्ती से खेल रहा है। खैर ठीक है, अभी तो सबसे पहले ना मैं फर्स्ट पोजीशन अचीव कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पर ये भाई मैक्लारेन, ओहो वेट क्या चला रहा है। नहीं भाई, कंट्रोल ही नहीं बेचारे से। खैर ठीक है, एक बंदा ना लैम्बोर्गिनी एसवीजे वाला, वो बहुत एसवीजे नहीं बुगाटी भी बहुत ज्यादा आगे है। हेलो, मैं सोच रहा था कि सिर्फ लैम्बोर्गिनी एसवीजे वाला बंदा काफी ज्यादा आगे जा चुका है, बट ठीक है मैं इनको ना फटाफट से ओवरटेक मारता हूँ और फर्स्ट पोजीशन लेके आराम से चिल होके मैं इस रेस को खेलना चाह रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर ये अब जाने वाला है। चल बेटा, इसकी गाड़ी बहुत तगड़ी है। ओह शिट, नहीं यार इतनी बुरी तरह, क्या भाई गलत सीन। मैं पूरी ब्रेक मारी बट क्या ना, ये रुकती तो है बट उसके लिए एक रोड होना चाहिए। मैं घास पे पहुंच गया था उस टाइम पे। खैर ठीक है, सामने एक मस्त टनल आने वाली है, उस टनल के अंदर मैं इसको बहुत तगड़े तरीके से ओवरटेक करूंगा। वेट, इसको डरा दूंगा, ऐसा ओवरटेक मारूंगा ना। चल बेटा अब भगा अपनी गाड़ी, एक मिनट रुक जाओ, ये अब खत्म भाई, अब सब खत्म, क्योंकि ये 500 नहीं, ओ ओपे डिवाइड, ओ आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, इस 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड कंट्रोल करना सच्ची में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या ठीक है, अबे यार ये एसवीजे वाला नहीं मानेगा। आ जा बेटा, मैं तेरे को बताता हूँ, दो मिनट, यहाँ से राइट लेना है भाई। वो बहुत तगड़ा, क्या तगड़ी चला रहा है वो बंदा यार, तगड़ी। मैं भी चला रहा हूँ बट अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल करने में ही बैंड बज रही है। क्या ठीक है, वो यहाँ से नीचे गया सीधा, आगे हाईवे पे नहीं जाना मेरे को, वहां से राइट लेना है। तो गाइस अभी ना बस मेरे आगे लैम्बोर्गिनी एसवीजे 63 है, जिसको मैं कुछ ही देर में ओवरटेक कर दूंगा। बड़ा यार मानना पड़ेगा, इस बंदे को चलानी बहुत तगड़ी आती है। और अब ये वाला जो रास्ता है ना इस रेस का, ये सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर तेज स्पीड में जाओ तो गाड़ियां पलट सकती है। बाकी ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसको ओवरटेक करने वाला हूँ बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो 500 तो यूं ही टच हो जाती है। लेट्स गो, यहाँ से अब हमें जाना है राइट में और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी को वहाँ टॉप पर मेरे को लेकर जाना है क्लाइम करके। लेट्स गो, यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं आराम से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि ये रास्ते बहुत ज़्यादा खराब से हैं और अभी मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ, तो उस पोजीशन को गंवाने के लिए मैं ज़्यादा गलतियाँ नहीं करूँगा। ओके, तो अभी ये जो आगे का रास्ता है ना, बस यही मेरे लिए थोड़ा बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अपनी गाड़ी सीधा स्पीड बहुत तेज पकड़ती है और ये सारी की सारी ना पतली पतली गलियाँ हैं। खैर ये मस्त बात है कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे है, बट अभी जिस मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में भगाने का एक मस्त चांस मिलेगा। बाकी गाइस अभी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम वाली बात है कि कुछ ही देर में हमारी गाड़ी की जो टर्बो पावर है ना वो खत्म हो जाएगी और फिर ये उतनी स्पीड में नहीं चल पाएगी जैसी ये अभी चल रही है। बट हाँ, एक बात अच्छी ये भी है कि थोड़ी देर में वो पावर हम लोग वापस यूज कर सकते हैं, और ये शायद इसीलिए है कि गाड़ी के इंजन ओवरहीट ना हो और उसमें आग ना लगे, जो कि हमारी फरारी के साथ हुआ था। बाकी लेट्स गो, क्या मस्त ड्रिफ्ट मारे हमने यहाँ पर, और अब जो आगे का हाईवे है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो गाइस यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है, वरना अभी तक तो मेरा 2 से 3 बार ही खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका होता। लेट्स गो, वापस इसकी टर्बो पावर आ चुकी है बट गाड़ी जंप कर गई, और भाई अभी गाड़ी बहुत ज्यादा बुरी तरह ऊपर जाके भिड़ गई है और आगे से चकनाचूर हो चुकी है। बट कोई नहीं, गाड़ी अभी भी काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से चल रही है। लेट्स गो, अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से साइड साइड में थोड़ा सा चलाता हूँ और ट्राई करता हूँ, ये उतनी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही यार। पता नहीं क्यों जो बची कुची गाड़ी थी वो भाई इन्होंने ठोक दी। एक सेकंड भाई, भाई साहब ये दोनों लोग मुझे टक्कर मार के अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए आगे ले गए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इनको अभी भी इजीली ओवरटेक कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी इतनी ज़्यादा बुरी तरह ठुकने के बाद भी बहुत सही चल रही है। अपना बस टर्बो मोड वाली पावर आ जाने दो, फिर सीधा 500 की स्पीड पे जाके इनको एकदम मस्त ओवरटेक मैं करने वाला हूँ। भाई साहब अभी तक तो ये लोग मुझे दिख भी रहे थे, बट इस हाईवे के आते इनकी गाड़ियाँ कसम से गायब हो चुकी है, और मैं इस टाइम पे अपनी कार को इतनी तेज भगाना नहीं चाह रहा टर्बो मोड होने के बावजूद, वो इसलिए क्योंकि अपनी गाड़ी का पीछे वाला टायर बुरी तरह मुड़ चुका है, और अगर मैंने गाड़ी भगाने की कोशिश करी तो हो सकता है कि टर्निंग पर हम लोग ठुक जाए कहीं ना कहीं जाप कर। बाकी यहाँ पर स्ट्रेट रोड है और अभी मैंने एकदम मस्त तरीके से दोनों लोग की गाड़ी को खतरनाक ओवरटेक कर दिया है। तो भाई क्या मस्त ड्रिफ्ट है, लेट्स गो।
अभी इन लोग की गाड़ियां दिखने भी नहीं वाली, वो कितनी ज्यादा पीछे रह गई है। लेट्स गो गाइस। तो अभी मैं थोड़ी देर में अपनी गाड़ी को लेकर प्लेटो बे पहुंचने वाला हूँ और इस रेस को जीतने वाला हूँ। और एक सेकंड भैंस के, ये यहाँ पर कौन है भाई? ये बंदा कौन था भाई ट्रक लेकर? भाई साहब मेरी गाड़ी वो देखो सामने, वहां पे जाके कितनी ज्यादा बुरी तरह गिरी है। अबे ये है कौन? पहले इसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया और अब उसके बाद ये ड्राइवर, एक सेकंड, इसने आके गाड़ी पे बॉम्ब डाल दिए। ये करना क्या चाह रहा? इसने अपनी गाड़ी फोड़ दी। ये तो नहीं बचेगा, मेरे पास अभी बिल्कुल भी वेपन्स नहीं है। इस ड्राइवर को तो ना आज मैं किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं जाने दूंगा। मैं बस पता करना चाहता हूँ कि आखिरकार इसने फ्रैंकलिन को जितवाने के लिए इतनी गंदी हरकत क्यों करी। वेट, ये अपने ट्रक को लेकर वहां पर जा रहा है और इसने इस दूसरी वाली गाड़ी को भी ठोक दिया। भैंस की, मैं इसके अभी ट्रक में ही चढ़ जाता हूँ। भाई बंदों को ये मारने में लगा हुआ है बहुत ज्यादा बुरी तरह। ये देखो, अबे एक सेकंड भाई, कितना गलत सीन है। ट्रक में मैं भी आके छुप चुका हूँ। सही है कि इसको मालूम नहीं पड़ा, बट अगर अभी मैं गिर जाता तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बट हाँ यार, इसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर ही दी है। फ्रैंकलिन को रेस जितवाने के लिए इसने हमें मारा, सेकंड पे जो गाड़ी थी उसको भी मारा। वैसे यार मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार इस टाइम पर ही अपने ट्रक को लेकर जाने कहाँ पर वाला है। ये वाला जो रास्ता है ये जाता है माउंट श्रीयार्ड की तरफ। बाकी यहाँ पर ये एक फैक्ट्री है, कहीं इसकी फैक्ट्री तो नहीं है ये? अगर ये ट्रक रोकेगा तो पक्का यहाँ पर यही इसकी फैक्ट्री, बट नहीं, ये यहाँ से आगे ही जा रहा है। खैर छोड़ो यार, जो भी है, ये जब भी रुकेगा तब ये बहुत बुरा पिटने वाला है, क्योंकि इसने आज सारी की सारी मेहनत, सारा काम का पूरा नुकसान करवा दिया है। तो चलो गाइस, आज किस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो भी जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि अब हमें ट्रेवर के साथ क्या करना चाहिए। बाकी यार इस वीडियो पे 2 मिलियन लाइक गोल का एम है, तो उसे भी जाके कंप्लीट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।